हेलो वर्मा। गुड मॉर्निंग राज। गुड मॉर्निंग भाई, तुम्हारे फार्मूलों ने तो एसआर केमिकल्स की काया ही पलट दी है। जानते हो आज एक अखबार वाले ने क्या लिखा है? क्या लिखा है कि हमारी दवाओं से मौत इस तरह भागती है जैसे डीडीटी से मक्खियां। और तुम्हारे नए इंजेक्शन ने जी तो यमराज का धंधा भी ठंडा कर दिया है। इसका सहरा सुधीर के सर पे है। बड़ा ही अच्छा सेल्समैन है सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, अभी अभी तुम्हारा नाम लिया था और तुम आ गए। ये वर्मा साहब को तुम कुछ रिश्वत खिलाते हो क्या सर? हाँ, कह रहे थे कि तुमसे बड़ा सेल्समैन इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। सर, मेरा तो काम ही सेल्स को बढ़ाना है सर। और वैसे भी डॉक्टर वर्मा की दवाइयों में इतना असर है सर कि हर डॉक्टर इन्हीं की दवाई को रेकमेंड करता है। हाँ, फिर भी एक बात से होशियार रहना, सक्सेस के दुश्मन खुद बहुत पैदा हो जाते हैं, इसलिए हमारी नाक न कटने पाए। ओ छीना छीना छीना, तुमने यहाँ छीने छीना लगा रखा है, उधर राय ने हमारा सारा बिजनेस छीन लिया है। इतवारे, अब अगर हमें इस बिजनेस में जिंदा रहना है ना, तो हमें उनके कुछ ऐसे हाथों की जरूरत है जो चुपके से हमारे साथ मिले, और फिर हम उन्हीं हाथों से राय केमिकल्स का गला घोट देंगे। छीना, मेरा गला। छीना, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। थैंक यू। लेकिन डॉक्टर वर्मा को नहीं खरीदा जा सकता। अरे क्यों? वो ऐसी कौन सी मिट्टी से बना है जो खरीदा नहीं जा सकता? अरे भगवान ने उसको खास वफादारी की मिट्टी से बनाया है, और उसका पेट भी बहुत छोटा छा है। हाँ, सुदर्शन राय जी के आदमियों में से सिर्फ एक आदमी फूट सकता है, और उसका पेट भी थोड़ा सा बड़ा है। कौन है वो बड़े पेट वाला? सुधीर। कौन? सुधीर। सुधीर? हाँ, उनका सेल्स मैनेजर। हाँ, लेकिन छीना देख, उतना खा जितना हजम हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि पेट के रास्ते से हम लोग जेल में चले जाए। तुम्हारे को तो मालूम है कि जेल के नाम से मेरी लू कांपती है। अरे तुम्हारी, वो तो मैं जानता हूँ, बस तो एक काम कर, एक बार तू सुधीर को बुला ले, फिर देख मैं उसे कैसे नोटों के जाल में फंसता हूँ। बुला ले? अरे सुधीर को तो मैंने कब छह बार बुला के रखा है। बुला के रखा है? योर जीनियस, जल्दी बुला के ला। शाबाश, ये साला तो मुझसे भी तेज है। सुधीर साहब, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम, मिलिए मेरे पार्टनर छीना साहब से। हेलो मिस्टर सुधीर, हाउ डू यू डू। आइए आइए, बैठिए। छिप छिप, अरे ये वो बम है जो हम सब का टाइम बदल देगा। वाह, बाय द बाय, यू नो ये अपने लौंडे को लंदन भेजना चाहते हैं। जी वो डॉक्टर बनने के लिए जी। अरे वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके बेटे को हम लंदन भिजवा देंगे। कुमारीलाल जी, वो अपना बेटा कैलाश भी तो लंदन जा रहा है ना? हाँ हाँ, उसके साथ ही इनके बेटे को भी भिजवा देंगे, दोनों को कंपनी भी मिल जाएगी। आई जी, वेरी गुड आइडिया। और देखो मिस्टर सुधीर, बिना खतरा उठाए जिंदगी का कोई ख्वाब पूरा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी तो खुद एक खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कब तक तुम 2-2.5 हजार रुपए महीने में सुदर्शन राय के यहाँ अपना खून पसीना एक करते रहोगे? मैं कुछ समझा नहीं के। अरे यार ऐसा गजब मत करो, अगर तुम नहीं समझोगे तो छीना साहब नहीं समझेंगे, छीना साहब नहीं समझेंगे तो मैं नहीं समझूंगा, जब मैं नहीं समझूंगा तो तुमको क्या समझाऊंगा? तुम्हारी, इसलिए छीना साहब को समझने में ही समझदारी है। मिस्टर सुधीर, बस आप इतना समझ लीजिए कि सुदर्शन राय केमिकल्स की सारी दवाइयाँ आप मार्केट में नहीं बेचेंगे, बल्कि हमें बेचेंगे। छोचो छोचो, कोई जबरदस्ती नहीं है, दिमाग तुम्हारा और पेचे हमारे, ये छोटा तो राजी राजी का है ना? और मिस्टर सुधीर, तुम्हारा मकसद तो दवाइयों की बिक्री से है ना, वो हम खरीदेंगे। अरे सुधीर छाप छप समझ गए छीना। देगा इतवारी, इसे कहते हैं बाप का असली प्यार, जो अपने बेटे की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। मिस्टर सिन्हा, अब आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। गुड लक।
में पुलिस का छापा। नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे, आज की ताजा खबर। नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर, नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे। नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर, नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे, आज की ताजा खबर। नकली इंजेक्शन साथ में मौत मरे, आज की ताजा खबर। राय साहब कुछ पता चला? यह हमारी शीशी, और इसे देखिए जो मैं बाजार से लाया हूँ, जो बिल्कुल हमारी शीशी की नकल है और इसमें दवा भी नकली है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई हमारे कंसर्न को बदनाम करके हमें बर्बाद करना चाहता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, और रह रहकर रमेश सिन्हा याद आता है। रमेश सिन्हा, वो जो हमारे यहाँ काम करता था? जी। सुधीर का है? सुधीर, वो छाला बेईमान बदमाश कहीं ना कहीं फंसा हुआ होगा। इतवारी शर्म नहीं आती अपने ही आदमी को बेईमान कहता है? तुम कौन से ईमानदार हो? मुझे तो यकीन हो गया अब तुम जेल के अंदर नहीं जाओगे। अच्छा? जेल तुम्हारे अंदर जाएगा। आओ आओ सुधीर बाबू, आइए देखिए आपके आने से पहले हमने कितनी ईमानदारी से आपका हिस्सा निकाल के रखा हुआ। पैक कर लो। सुधीर, ये तुम्हारे बगैर पसीने की कमाई है। रखो। अरे ऊपर वाले जब ऐसे ऐसे बेईमान बनाने थे तो फिर ईमानदारों को क्यों बनाया? इतवारी, अरे मैं ऊपर वाले से बात कर रहा हूँ यार, डोंट डिस्टर्ब मी। यस, हमारी कंपनी की दवाओं में मिलावट करने वालों का पता चल गया है। क्या? मैं रमेश सिन्हा के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आप पुलिस को लेकर फौरन पहुँचाइए, सारे मुजरिम यहाँ मौजूद। मैं अभी पुलिस को लेकर वहाँ आ रहा हूँ, तब तक किसी भी हरामजादे को वहाँ से जाने मत देना। जी। आओ इंस्पेक्टर। मिस्टर सुधीर, सारी जिंदगी में तुम ईमानदारी से इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना तुमने थोड़ी सी बेईमानी करके कमा लिया है। क्या इतवारी? थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इन्हीं पैसों से अपने बेटे को डॉक्टर वर्मा से भी बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। और वो तुमसे भी बड़ा कमीना बनेगा और लोगों की जान लेगा, यही ना? आज पहली बार मेरे दिल से ये बद्दुआ निकली, मुट्ठी भर पैसों के लालच में तूने जो कांटे बोए हैं, जिंदगी भर तू उन्हीं कांटों पर चलेगा, तुझे कभी कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो तुम सब कुछ जान गए? हाँ हाँ, मैं सब जान गया हूँ, और मेरे जीते जी मैं तुम्हें इंसानों की जिंदगी से नहीं खेलने दूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी वर्मा जी। इतवारी, तुम सुधीर के साथ बाहर जाओ, मुझे इनके साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है। प्राइवेट? हाँ हाँ प्राइवेट। चलो छुजी। जब तक पुलिस नहीं आती मैं यहाँ से किसी को नहीं जाने दूंगा। अरे मामू, पुलिस के नाम से तो मेरी क्यों छीना? हाँ वर्मा जी, इनकी रूह कांपती है, इन्हें जाने दीजिए। नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा। अब तो तुम्हारी बात पुलिस को लेगी। पुलिस के बीच में क्यों लाते? वर्मा हराम ज्यादा जगत कमीने। पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। बहुत बुलाता हूँ वर्मा। ये क्या हुआ? इंस्पेक्टर जी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। चलाओ जल्दी, चलाओ। वर्मा, तुम घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे। राय साहब, राय साहब, मेरे बेटे विजय, विजू का ख्याल रखना। घबराओ नहीं वर्मा, वो मेरे अपने बेटे की तरह है, लेकिन वो है कहाँ? वो देवलाली के कॉन्वेंट में। देवलाली कॉन्वेंट में? वर्मा ये बताओ, वो रमेश सिन्हा के साथ और कौन थे? उसके साथ वो कौन? वो कोई भी हो, लेकिन जिन्होंने मेरे दोस्त का ये हाल किया है वो दुनिया में चैन से नहीं रह सकेंगे। चाची बोला क्या जी? मैं सुबह डॉक्टर से कह के गया था, वो आया कि नहीं? बेटे एक बार नहीं, चार बार आए थे, और हर बार ये सुई लगा कर चले। इंजेक्शन? नहीं, ये तो रमेश सिन्हा वाले इंजेक्शन है। मुन्ना, 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 मुन्ना मेरी तरफ देख, देख मुन्ना। तू तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, देख, देख मुन्ना, देख, देख।
देख मैं तेरे लिए कितने सारे पैसे लेके आया हूँ मुन्ना, देख। एक्सक्यूज मी, जो टीचर इन बच्चों के साथ गया था क्या उतारना जानता था? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। तो आप ही यहाँ के प्रिंसिपल हैं? जी हाँ। मैं आपके स्टूडेंट विजय वर्मा के पिताजी का दोस्त हूँ, मैं विजय को अपने साथ ले जाने आया हूँ। वो क्या, उसकी लाश तक नहीं है? जी स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर गया था, बोट उलट जाने भगवान। मैं तो मिस्टर वर्मा को इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन आप उन्हें कहाँ इन्फॉर्म करेंगे, वो तो अभी दुनिया में नहीं है, इसीलिए तो मैं विजय को अपने साथ ले जाने आया था। हेलो जी, क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री से? मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ, मैं अभी आया। और खा लो बेटे, अरे इस बच्चे की प्लेट में डालो, अरे यहाँ खा ले बेटे। अमीना बहन, डालो ना। ईद मुबारक। आपको भी नाथ भैया। बच्चों को तो खाना दे दिया, खुद नहीं खाओगी? आप तो जानते हैं भैया, जब तक राजू को अपने हाथों से न खिला लूं मेरे हलक से कुछ नहीं उतरता। पर वो है कहाँ, आज ईद के दिन भी ईद का चांद हो गया है। वो तो सचमुच चांद ही है, जहाँ भी होगा अपनी रोशनी बिखेर रहा होगा। अमीना देखो, आज भी उसे मुझसे मांग कर मेरा दिल नहीं दुखाना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है, इन बच्चों में से तुम कोई भी एक ले जा सकती हो, मगर राजू नहीं। बाबा बाबा। अरे अरे, क्या हुआ इसे, कौन है ये? पता नहीं बाबा, ये पानी में डूब रहा था, मैं इसे यहाँ ले आया। नब्ज तो चल रही। राजू बेटे जल्दी से जाके डॉक्टर को ले आ। ये अच्छा। प्रिंसिपल साहब, जब इस बच्चे को होश आया तो इसने बताया कि वो आपके स्कूल में पढ़ता है और यही हॉस्टल में रहता है। अब आप इसे संभालिए और मुझे आज्ञा दी। मिस्टर नाथ जी, एक मिनट, जरा मेरे साथ। इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ, पैदा होती इसकी माँ चल बसी, अब इसके पिता का किसी ने खून कर दिया है। जी हाँ। प्रिंसिपल साहब, इसके पिता करते क्या थे? आपके पास तो रिकॉर्ड में सब कुछ होगा, मैं खुद ही पता कर लेता हूँ। वो कोई बिजनेस करते, पर क्या बिजनेस करते थे पता नहीं। हाँ याद आया, एक सज्जन विजय के बारे में कुछ पूछताछ करने आए थे, मगर दो बच्चों की मौत ने मुझे इतना हिला दिया था कि मैं उस सज्जन के बारे में कुछ पूछ न सका। आप ऐसा कीजिए कि विजय के पिता का नाम और एड्रेस मुझे लिखा दीजिए, हो सकता है कि शायद मुझे वहां से उस सज्जन के बारे में जो यहाँ आए थे पता चल जाए। लिखिए 108 आरबी वर्मा, चांद सोसाइटी, जूहू, बॉम्बे 49। कहिए भाई साहब, जो सामने रहते थे आप उन्हें जानते थे क्या? जी नहीं, हमें तो दो दिन हुए भोपाल से आए हुए, मगर सुना है कि उनका किसी ने खून कर दिया। रो मत मेरे बेटे, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। बेटे मत रो, आओ मेरे पास, मत रो बेटे। अमीना बहन, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानूंगी। कहिए। तुम्हें बच्चा चाहिए था ना अमीना बहन, इसे ले जाओ, अच्छे खानदान का। भैया अब अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। इतने दिनों से मैं राजू आपसे मांग रही हूँ, अगर इसके साथ राजू भी मेरी झोली में डाल दें तो। ठीक है अमीना बहन, मगर इन दोनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये दोनों मेरी आंखों के तारे होंगे भैया, दोनों के सर पर हमेशा मेरी ममता की चादर रहेगी। राजू बेटा, आज ये तुम्हारी अम्मा है और ये तुम्हारा छोटा भाई। बाबा तू बेफिक्र है यार, मैं इसको ठगे बाप का प्यार दूंगा,
जब तू बनवास से आएगा ना तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको देख के तेरी छुट्टी हो जाएगी। अबे छुट्टी तो तेरी भी हो जाएगी। जानता मेरा बेटा सोने का ऐसा सिक्का है जिससे एक दिन मैं रुपयों की बहुत बड़ी टकसाल खरीदूंगा। यार अब तू बेकी बेकी बातें कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को चौकी के अंदर बराबर खाने को मिला नहीं। थानेदार साहब। अबे थानेदार नहीं हवालदार यार। अरे यार तुम कभी ना कभी थानेदार बनोगे कि नहीं? हाँ, वो तो बनूंगा ना। तो फिर देखो ये पकड़ो। अरे क्या पकड़ा? पकड़ो ना यार। के लिए? अरे यार मेरे दोस्त को बहुत भूख लगती है, दबा के खाता है। क्या खाना है यार? तुम्हें काम करना, रोजाना सुबह को इसको नाश्ते में 6 अंडे और 6 पराठे देना, और दोपहर के खाने में 8 तंदूरी मुर्गे और 12 प्लेट चावल वजरी का छालन ऊपर से, और रात को 2 बाटली स्कॉच विस्की और 5 बाटली दूध मार के। क्या मलाई यार? आ, बाकी के मेन्यू है ना तू मेरे को लिख के दे दे, पीछे से साहब आ रहा है ना। तो छाप के हाथ में दे दूं? अबे नहीं यार, तू मेरे हाथ में देना। यार तेरे हाथ में दूंगा तो छाप के हाथ में क्या दूंगा मैं? इतवारे चलो कमो। अबे मैं हवलदार ले चलो इसे जल्दी। वही कर रहा हूं ना। चल चल चल। अच्छा बेटा अबे चल ले यार। डैडी नहीं नहीं मेरे बेटे नहीं, रोना नहीं रोना नहीं। क्या जमाना है, क्या दुनिया है। हजारों साल पहले राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, और आज इतने सालों के बाद में तेरे बाप रावण को 14 साल का वनवास हुआ है। क्यों छीना कैसा है छाले? अबे अंधा है, दिखता नहीं? तू बता मेरे बेटे को कौन से स्कूल में भेजा है? वो तो पंजगनी के स्कूल में हॉस्टल में रहता है। वाह छाला, अंडे को देख के पता चलता है कि मुर्गा तेरे से भी बड़ा निकलेगा। अबे कैसे नहीं निकलेगा, बेटा किसका है। पर तू जरा उसे संभाल के सीखना। तू बेफिक्र है यार, अभी तेरे को तू यहाँ बहुत सारे बरस काटने। अबे बरस दिन बोल दिन, समझा? समझ गया। ये फटने के चक्कर में तुम बनवाची से कहीं छोरकुवाची नहीं बन जाओ। ओ शट अप कम ऑन। ए काका मत काम करो। सुनो सुनो, सभी कैदी अपना काम बंद कर दे और पहाड़ी नंबर 2 पर आ जाए, क्योंकि यहाँ बिछाई गई बारूद से ये पहाड़ी उड़ाई जाएगी। जिंदा है कि मर गया? ये तो मर गया। हे भगवान, मेरी आत्मा को शांति देना। नहीं नहीं, इसकी आत्मा को शांति देना। गुड मॉर्निंग पापा। अरे गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, ये लो। रमेश सिन्हा, जैसी करनी वैसी भरनी। पैसे ले गया और खाली भुट्टा लग गया। छाले इतवारी, मैं अपना बेटा और तुम्हारा माल ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी छका जरूरत है। तुम ठहरे इतवारी, इसलिए छुट्टी मनाओ। छीना छाले छीना धोखे बाद छुट्टी तो मैं तेरी करूँगा। नाथ भैया को बात सलाम के मालूम हो कि हम लोग यहाँ खैरियत से हैं और आपको बहुत याद करते हैं। बहुत दिनों से आपका कोई खत नहीं आया, तबीयत तो ठीक है ना? इतला करना, विजय आजकल अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा है और राजू को तो आज भी मुझे ही खिलाना पड़ता है। नहीं खिलाओ तो खाना उसके सामने ही पड़ा रहता है, वो खाने को देखता रहता है और खाना उसे। बस अम्मा, पहला लुकमा सर आंखों पर दूसरा लुकमा मैं तब खाऊंगा जब विजय अपना रिजल्ट लेके आ जाएगा। ओहो। और अम्मा, तू उसके पास होने की खुशी में मिठाई तो जरूर लाई होगी ना? वो तो मैं सवेरे ही लेकर आ गई थी पुरनमल दिल्ली वाले से। विजय आ जाए, अच्छी खबर सुनकर सबको खिलाऊंगी। लो अम्मा, आ गया विजय। विजय अंदर आने से पहले खुशखबरी दे के तू। फर्स्ट आया हूँ राजू। ये मेरे दोस्त यार। यू मेरे बेटा। विजय बेटा। अम्मा जीते रहो, दोनों खुश रहो,
खुदा दोनों को बुरी नजर से बचाए। अरे सलीम, वहां बैठे बैठे किसको चिट्ठी लिख रहा है? मिठाई लेकर आ जा। अभी लेकर आया। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। बेटा जल्दी से इसे हाथ लगा दे और तू भी जाकर गरीबों में बांट कर आना और देखना अगर इसमें से तूने खाए ना तो मेरा बेड़ा गर्क। तू बोलता बहुत है मगर तुम से कब रिजल्ट तो दिखा यार। ये ले। अरे विजय तू तो पूरे बॉम्बे में फर्स्ट आया यार। हाँ राजू लेकिन आगे तो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। विजय मेरे होते हुए नो एंट्री का बोर्ड? राजू आज मैं यहाँ तक पहुंचा ना तो सिर्फ तेरी वजह से। लेकिन मैं देख विजय वो दिन दूर नहीं जब शोहरत और दौलत तेरे कदम चूमेगी, तेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा और बंगले में खूबसूरत सी दुल्हन होगी, बस तब जाकर मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े सपने मत देख मेरे दोस्त, मेरे स्वर्ग के पिता ने भी ऐसे ही सपने देखे थे। वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई खत्म करके लंदन से ट्रेनिंग लेकर आऊं, लेकिन आज वो दौर नहीं रहा जब गुरु दीक्षा के बदले शागिर्द के मन का सत्कार लेकर ही खुश हो जाए। आज डिग्रियों और ट्रेनिंग लेने के लिए मेहनत और लगन से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसों की। बस तू लंदन जाएगा मेरे दोस्त, जरूर जाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारी मनचाही मंजिल ना मिली तो मेरा जीना किस काम का? हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग माथुर। हमारी लंदन की बुकिंग हो गई? जी, ये रहा आपका टिकट, पासपोर्ट और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स। गुड। देखो माथुर, हमारी गैर हाजिरी में तुम हमारे ऑफिस का हमेशा की तरह ख्याल रखोगे। जी, लेकिन हमारी बिटिया रेनू का खास ख्याल रखना, हमें उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं भी वही कह रहा था सर। तुम ये कब कह रहे थे? मेरा मतलब मैं कहने वाला था। क्या कहने वाले थे तुम? यही कि मैं ये नहीं कह रहा था सर, बल्कि मैं ये कह रहा था। सर मैं ये कहना चाह रहा। देखो माथुर, अब तुम कुछ नहीं कहोगे, समझे? फिर हिलाकर हाँ कहो। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ कह नहीं रहा सर, सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ। पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि डॉक्टर वर्मा की ये कुर्सी आप कब तक खाली रखेंगे? जब तक हमें डॉक्टर वर्मा जैसा लायक और ईमानदार आदमी नहीं मिल जाता। जैसा कि तुमने सजेस्ट किया है उससे लाखों की बचत होगी और हजारों आदमियों को अच्छी और सस्ती दवाइयां मिलेंगी। कीप इट अप माय बॉय, गुड लक। अरे भाई शेखर, किसकी इतनी तारीफ हो रही है? हमें भी तो मिलवाओ ऐसी हस्ती से। जरूर मिलवाऊंगा, पर पहले तुम इन लोगों से मिल लो। ये यहाँ के चंद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपने देश में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिस्टर तलवार, हेलो। मिस्टर सिंह, हेलो। एंड मिस्टर चड्डा, हेलो। हेलो, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मिस्टर शेखर ने तो आपको बता ही दिया होगा कि विदेश की तरह हिंदुस्तान में भी हमारे तरह तरह के बिजनेस हैं, दवाइयों का, होटल्स का, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस वगैरह वगैरह। दवाइयों से मुझे आज अपने पार्टनर की याद आ गई, जिसकी वजह से आज हमारी फर्म हिंदुस्तान की एक लीडिंग केमिकल कंपनी है। वो सबसे पहले मुझे इसी शहर में मिला था। हाँ? क्या हुआ था आपके पार्टनर को? उसे एक नकली दवा बनाने वाले ने मार डाला था, आउट ऑफ जेलसी। तुम्हें वर्मा जी की याद आ रही ना? लगता है उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया है। अभी अभी मैं जिस लड़के की तारीफ कर रहा था वो उनका दूसरा रूप है। तो फिर मिलाओ उससे, हम उसे मिलना चाहते हैं। वैसे आज तक मैंने अपने स्वर्गवासी दोस्त डॉक्टर वर्मा की कुर्सी पर किसी और को बैठने नहीं दिया। हेलो विजय, कम इमीडिएटली टू माय ऑफिस। यस सर, अभी आए। ओके, वो अभी आ रहा है। ये देखिए, ये रिपोर्ट उसने बनाई। वैसे ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिनसे ये काम सीख रहा है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें काम सिखाना शुरू कर देगा। आओ विजय, मिलो। आप है मिस्टर सुदर्शन राय। सुदर्शन राय जी, केमिकल। नमस्ते सर। नमस्ते बेटे। वैसे तुम हिंदुस्तान में कहाँ के रहने वाले? बॉम्बे का। बॉम्बे के? और तुम्हारे? हेलो, बॉम्बे, मिस्टर माथुर। ओके, आपका बॉम्बे से अर्जेंट कॉल है, आप सामने कमरे में लाइन ले लीजिए। ओके, थैंक यू। बोलो माथुर। माथुर क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं?
सर रेनू। रेनू क्या हुआ रेनू को? रेनू की तबीयत जरा जरा नहीं बहुत ज्यादा खराब है। हाँ ज्यादा बहुत ज्यादा। क्या ज्यादा? तबीयत। तुम्हें क्या हो गया है माथुर? रेनू को टेलीफोन दो। मैं बेहोश हूँ। मैं क्या बकते हो? मैं बेहोश हूँ? आप नहीं मैं बेहोश हूँ। आप नहीं मैं मतलब रेनू बेहोश है। रेनू बेहोश है? कब से? रात से। डॉक्टर क्या कहता है? उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। लीजिए डॉक्टर से बात कर लीजिए। डॉक्टर सक्सेना हियर। अपना परिचय बंद करो, पहले ये बताओ रेनू को क्या हुआ है? उसकी नब्ज गायब है। बेग योर पार्डन। अरे रेनू को क्या हुआ है? रेनू गायब है। रेनू नहीं नब्ज गायब है। ओ गॉड। आप आने की कोशिश कीजिए। जल्दी। हाँ मैं पहली फ्लाइट से आ रहा हूँ, तब तक रेनू का ख्याल रखना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। जी हाँ। बेटे तुम्हारे पापा आ रहे हैं। और तब तक आप यही रहेंगे। शेखर क्या हुआ? वो पिछले रेनू की तबीयत अचानक खराब हो गई, मुझे पहले फ्लाइट से हिंदुस्तान वापस जाना है। विजय दोबारा आऊंगा तो फिर तुमसे अच्छी तरह बातें होंगी। आओ शेखर। चलिए अंकल पता फेंकिए। सब आ गए। जल्दी उड़ ले। तुम पकड़ उसको जल्दी। और अगर कोई हंसा तो गोली मार दूंगी। सच्चाना क्या हुआ मेरी बच्ची को? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है राय साहब। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो शहर के दूसरे डॉक्टर मर गए थे क्या? किसी और को बुला लिया होता। मेरी बच्ची को अगर कुछ हो गया तो समझ लो कि मैं भी मर गया। मैं तो जिंदा ही इसी के लिए। राय साहब मुझे लगता है कि बिटिया आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी, मगर अब आप आ गए तो ठीक हो जाएगी ना। मगर राय साहब एक चीज का वादा कीजिए कि आप इतने दिनों के लिए बिटिया को अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सच है ना, मेरी बिटिया को ठीक कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी से अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं भी यही कह रहा था। तुम कब कह रहे थे माथुर? मेरा मतलब है कहना चाह रहा था कि ये पिस्तौल नकली है। सर मैं ये कह रहा था कि पापा वो... बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे इंतजार में मरमर कर जीते हैं। मैं भी यही कह रहा था। जी कहाँ थी अब तक? पूछिए मत पापा, क्या स्केटिंग करता है क्या ड्राइविंग करता है। हमारे आगे एक कार बड़ी तेजी से जा रही थी, रास्ता ही नहीं दे रही थी। साइड मिलते ही उसने वो स्पीड दिखाई कि वो कार वाला देखते ही रह गया। बेटी लगता है तू सुपरमैन पिक्चर देख कर आई है। नहीं पापा, सुपरमैन से मिलकर आ रही हूँ। सुपरमैन से? कौन है वो? कैलाश। वो कह रहा था कि अगर कार 110 मील की स्पीड से कम चलानी हो तो इससे अच्छा जाकर बैलगाड़ी आके। अच्छा। हाँ और फिर पापा एक पुलिस की वैन सायरन बजाते हुए हमारी गाड़ी के सामने जा रही थी, कैलाश ने उसे पलक झपकते ही पीछे छोड़ दिया और फिर पुलिस ने उसे धर लिया। क्या नाम बताया उसका? कैलाश। माथुर जा उसकी जमानत दे। मैं भी यही। पापा पुलिस तो उसकी गर्द भी नहीं पा सकी क्योंकि पुलिस वैन में थी और कैलाश हवा के घोड़े पर सवार था। ये जा वो जा। ये क्या कसरत हमने की और पसीने आपके छूट रहे? अभी जो तुमने किया है उसे देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। जी जी हाँ कैलाश, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। तो चलिए वो सामने रेस्टोरेंट है वहीं चल के कुछ पीते हैं। वो सामने है? बहुत दूर है ना वो। अगर आपको दूर लगता है मैम साहब तो ये बंदा अभी आपके लिए कुछ लेकर आता है। Oh, my God.
सामने वाले गुंडे को ऐसा जोर से पंच मारा। अरे माथिर को क्यों मार दिया बेटी? सॉरी मास्टर अंकल, जरा मैं एक्शन में आ गई थी। बेटे एक्शन तो ठीक है, पर एक्शन का ये रिएक्शन। मैं भी वही कह रही थी। और फिर पापा उसने दूसरे गुंडे को ऐसा जमा के मारा। अरे बेटी संभल के जोश में मत आया कर। कितनी दफा कहा है, हाथ तो ठीक था, पांव क्यों चलाती है? इतवारी सीधा का पार्टनर सरकार बोलती है कि तू स्वर्गवासी है, अखबार वाले बोलते है कि तू स्वर्गवासी है। अब अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलूंगा तो वो लोग मेरे को जेल में डाल देंगे। और छीना तू तो जानता है कि जेल के नाम से मेरी रूह कांपती है। इसलिए तो भाई मैं तन्ने कहूं मैं सिंधानिया हूं। सिंधानिया? तू छिंगानिया नहीं, तू छीना है, छीना। देख मेरे सामने एक्टिंग नहीं करना, मैं तेरे से ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। मेरे छीना, मेरे आदमी नकली और दाढ़ी अचली। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम बकवास बंद करो, वरना मैं ये लौंडे तुम्हारे को झुंगू, मक्खी, मच्छर और चूतियों की तरह मचल देंगे। किसकी तरह? लाल लाल चूतियों की तरह। तुम्हारे लौंडे को छीने से लगा के किसने पाला? ये इतवारी लाल ने। और तुम छीना से छिंगानिया बन के सब कुछ भूल गए। अरे छीना तुम जेल को भी भूल गए। जेल? कैसी जेल? अरे छीना गुर्दे को मारने की सजा नहीं होती है। अरे इतवारी मुर्दा किसी को मारे तो उसको भी सजा नहीं होती है, समझे? समझ गया। अब जरा तुम भी समझ लो। जिसके छात में तुमने बेईमानी की थी ना, वो छाला अब तक जिंदा है। कहीं तुम उस पागल सुधीर की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ वही सुधीर, सुधीर। इतवारी लाल जी कहाँ है वो? छाले अब तेरी छान पत्ती खुच गई। इतवारी लाल को इतवारी लाल जी बोलता है, कोई बात नहीं। लेकिन छीना अब तुम मेरे लौंडों का ख्याल रखोगे और मैं तुम्हारे स्वर्गवास होने का ख्याल रखूंगा। चिट्ठी की तरह आता रहूंगा और मनियारा लेके जाता रहूंगा। तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? तू जहां जहां रहेगा मेरा छाया छात होगा। इतवारी साले तूने शादी कब की थी? मैंने शादी नहीं की। तो फिर ये सब के सब कैसे छप गए? अरे ये छाले तो छप के छप लावारिस थे। अभी तुम्हारे चरणों में आके छप के छप मुकद्दर का छिकंडर बन गए। तुम मुझसे बोलना चाहते हो? मैं नहीं, मेरे डैडी ऐसा चाहते हैं। मगर वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें हमारी मुलाकातों का पता चल गया और वो नहीं चाहते कि शादी के पहले हम एक दूसरे से मिलें। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक और पुराने विचारों के हैं, इसलिए हम कल से नहीं मिल सकेंगे। ये क्या, सुपरमैन की आंखों में आंसू? कैलाश तुम रोना बंद कर दो, नहीं तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। हाँ लेकिन रेनू मैं अपने डैडी के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता, ये हमारे वंश की परंपरा है। तो मैं इस परंपरा को नहीं टूटने दूंगी। मैं आज ही अपने पापा से बात करूंगी। तो कल ही मेरे डैडी और अपने पापा की मुलाकात करवा दो प्लीज। तो समझो मुलाकात भी पक्की और शादी भी। रेनू आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि जरूरत से ज्यादा लाड प्यार बच्चों को वाकई जिंदगी बना देता है। इस वक्त खाना खाओ, मैं उनसे टेलीफोन पर बात करूं। टेलीफोन पर नहीं, कल आप कैलाश के डैडी से जरूर मिलेंगे। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? ऑर्डर तो आप देते रहते हैं, मुझे खाना नहीं खाना। और अगर मेरी शादी कैलाश से नहीं हुई ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी। रेनू, रेनू क्या बात है सर, आज आप थके थके से लग रहे हैं। माँ तो रात को ठीक तरह से नींद नहीं आई। ओहो कभी कभी आप नींद की गोली ले लिया करते हैं। हाँ वो कल रात ढूंढी थी तो मिली नहीं, मालूम नहीं कहाँ रखी मैंने। तो रेनू बेबी, रेनू दरवाजा नहीं खोल रही, हमने बहुत खटखटाया। ऐसा कैसे हो सकता है? माथुर जी मेरे कमरे में नींद की गोलियां देखना। रेनू बेटी, रेनू बेटी दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। रेनू बेटी
आपके कमरे से नींद की गोली में शीशी गायब है। उसमें तो पूरी 50 गोलियां थी। जी हाँ, पूरी 50। और अब वो गोलियां मैं खाने जा रही हूँ। नहीं बेटी, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सारी गोलियां खा जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। वो क्या नाम बताया था उस लड़के का? कैलाश। हाँ कैलाश, मैं आज अभी उसको और उसके डैडी को मिलने जाता हूँ। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए हर चीज कुर्बान कर दूंगा। अब तो दरवाजा खोलो बेटी, खोलो। प्रॉमिस पापा। प्रॉमिस। यू मारी खानदानी अंगूठी था भाई। पिछले 540 बरस से मारे खानदान में हर मंगनी के मौके पर पुत्र वधु बैठ दी चली आवे थे। यस। हाँ जिमी बोलो। सर, अपने 5-स्टार होटल का प्लान पास हुआ या नहीं? आज ही पास हुआ है और मैं कल की फ्लाइट से वहां पहुंच रहा हूँ। ओके। यू राज सुदर्शन राय, यू गौर से देख लो इसे। बॉम्बे से आज यहाँ पर आ रहा है और एयरपोर्ट पर इसका मैनेजर जिम्मी इसे लेने के लिए जा रहा है। जिम्मी को तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना? बहुत अच्छी तरह। बस इससे पहले ये साला सुदर्शन राय मारी असली जान जाए, इस साले को एयरपोर्ट की पहाड़ी के पीछे अपने आदमी ले जाकर खत्म कर दो। समझ गया। नहीं नहीं नहीं, होगा, बच गया ना, जल्दी। ये साला तो मर गया। अब तुम जल्दी एयरपोर्ट पे जाओ, सुदर्शन राय आता ही होगा। ओके सर। ये आपने बहुत अच्छा किया सर, जो रेनू बेटी की सगाई कर दी। अब वो जिंदगी को समझने भी लगेगी और बात बात पर जिद करना भी छोड़ देगी। हाँ जिमी, मुझे लड़का भी अच्छा लगा और लड़के वाले भी। जिमी पहले होटल की साइड पे क्यों ना चले? बहुत अच्छा सर, आइए बैठिए। बताए हुए रास्ते पर चलते रहो। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत। अब तुम दोनों की चिताएं इसी गाड़ी में जलेंगी। तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हें कुछ देने को जी चाहता है, इनकार मत करना। इनकार कैसे कर सकता हूँ सर? मैं आपके काम आया, आप मेरे काम आ रहे हैं। थैंक यू सर, आइंदा आप अपना ख्याल रखिएगा। कमाल है जिमी, मैंने तो सोचा था यह लड़का रुपया लेने से इनकार कर देगा और कहेगा कि किसी की जान बचाना इंसान का फर्ज होता है, मगर इसने तो चुपचाप रुपए ले लिया और थैंक यू कहकर चला गया। सर, मैंने भी इस लड़के के बारे में यही सुना है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन करेक्टर का बहुत अच्छा है। चलो। ओ साहब, ओ साहब, ओ साहब, ओ साहब। कौन हो तुम? ओए, आपका पुराना सेल्समैन राय साहब, जिसने कभी आपके साथ गद्दारी की थी, सुधीर राय साहब।
सुधीर। फरहा साहब, मुझे मुझे तो अपने किए की सजा मिल गई राय साहब, मेरा बेटा मुझसे छिन गया। सर, आप अपनी बेटी को कैलाश से बचा लीजिए, वो रमेश सिन्हा का बेटा है जो आजकल सिंघानिया बना हुआ है। सिंघानिया? लेकिन रमेश सिन्हा तो जेल में बरसों पहले मारा गया था। नहीं सर, सब यही समझते हैं सर, लेकिन लेकिन अब तक जिंदा है, और आपको मारने के लिए ये आदमी भी उसी ने भेजे थे। क्या? हाँ। सर, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाप। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं सेना को पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं उसे फांसी पर चढ़वा दूंगा। सर, आप लड़की वाले हैं, इसमें आपकी भी बदनामी होगी। पहले रेनू बेटी को कैलाश के चक्कर से निकालिए, फिर चाहे सिन्हा को पुलिस के हवाले कर दीजिए। ऑपरेटर, लाइटनिंग कॉल टू बॉम्बे 546557। थैंक यू। चिरी, पहली फ्लाइट की बॉम्बे की वापसी टिकट बुक कराओ। लेकिन सर, बॉम्बे की फ्लाइट तो जा चुकी है, परसों की फ्लाइट है। ओह नो, ठीक है, परसों की करवा दो। ओके सर, कम ऑन। हेलो, माथुर स्पीकिंग। हाँ माथुर, मैं बोल रहा हूँ। सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं ये कह रहा था। अपनी बात में कहना, पहले मेरी सुनो। वो बास्टर्ड सिंधानिया है ना, इसलिए देखो जब तक मैं ना आ जाऊं रेनू पर निगाह रखना। जरूर रखूंगा सर। समझ गए ना? हेलो हेलो, जरा रेनू को दीजिए। आप कौन बोल रहे हो भैया? मैं कैलाश बोल रहा हूँ। कैलाश? चलो, उल्लू का पट्टा जी। आपकी आवाज सुनकर बड़ी खुशी हुई। मैं ये कह रहा था कि रेनू तो घर पर है नहीं, वो आएगी तो मैं उसको बोल दूंगा कि आपका फोन था। अंकल, किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर। ये उसी लड़के की फोटो है ना जिसने हमारी मदद की थी? यस सर, ये वही है। मैं इसका शो देखना चाहूंगा। बिन मीत मेरा दिल सुना,
बिन प्रीत मेरा दिल सुनार मिलवा तू कहाँ तू ना कोई हमदम ना हम सफर ना दिलरुबा ना कोई दिल पर ना कोई हमदम ना हम सफर ना दिलरुबा ना कोई दिल पर ढूंढ रही है मेरी नजर ढूंढ रही है मेरी नजर मिल जाए कहीं कोई पल यही अपना मुझको कह दे कोई सपना देखूं हर पल यही अपना मुझको कह दे कोई ऐसा भी दिन आए कभी ऐसा भी दिन आए कभी मिल जाए कहीं कोई मितवा 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 इस बात पर हैरान है कि तुम्हारे पास कितने हुनर हैं और उन सब में तुम लाजवाब हो संगीत बहुत सुना लेकिन जो दिल में उतर जाए वो आवाज सिर्फ तुम्हारे पास है थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू राजू थैंक यू कि आज तुमने अपने संगीत से हमारी आत्मा को नहला दिया पर ये सब तुमने सीखा कहां संगीत के कौन से घराने के हो
संगीत का तो बस एक ही घराना होता है, दिल। कहते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले के हैं। भाई वाह, ये दिल का सिलसिला तो चलते ही रहना चाहिए, इसलिए आज इस अधूरी मुलाकात से दिल नहीं भरा। क्या ये हो सकता है कल तुम मुझे इस पते पर मिलो? पहुंच जाऊंगा, मगर तुम्हारी मगर का जवाब हम कल ही देंगे। ओके ओके। और अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। बड़ा शैतान है दिल, अजीब ईमान है दिल, एक बड़ा शैतान है दिल। हम आपके पास आ रहे हैं और आप जा रहे हैं। डार्लिंग आई लव यू डार्लिंग। मैडम प्लीज प्लीज डार्लिंग आई लव यू। ये क्या कर रही हैं आप? मैडम प्लीज मैडम आई लव यू डार्लिंग आई लव यू डार्लिंग। लुक लेडी ऑन फायर, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, मगर मैं एक शरीफ आदमी हूँ और अपने बिस्तर में सोता हूँ, और वो भी अकेला। हाय मैं मर जाऊँ? तो मर जाइए। किमी जी, कुछ बात है इस लड़के में। मैंने तो पहले ही कहा था सर, लड़की उसके लिए ऐसी है जैसे अनपढ़ के लिए किताब। जिमी तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, और फिर कल रात वाला तमाशा तो हमने भी देखा। सर वो क्या है कि पैसे वालों की लड़कियां थोड़ी खिसकी हुई, थोड़ी बिगड़ी हुई होती हैं। हाँ शायद। अच्छा एक बात बताओ, जिमी कह रहा था कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। जी हाँ, किसी जुर्म और कमीनेपन के सिवा कुछ भी कर सकता हूँ। एक्टिंग कभी की तो नहीं, मगर कोशिश कर सकता हूँ। हम तुम्हें कसौटी पर कसना चाहते हैं, तुम्हारा एक इम्तिहान लेना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। पास और फेल का नतीजा तो इम्तिहान देने के बाद ही निकलता है सर, मगर सर अगर आप ये बात छोटी करके बताएं तो बात कुछ समझ में आए। हमारी इकलौती बेटी एक 420 के नकली प्यार के चंगुल में फंस गई, उसे छुड़ाना चाहते हैं। छुड़ा तो दूंगा सर, मगर ये चंगुल पहुंचा कहां तक? मंगनी तक। अगर तुम हमारा ये काम कर दो तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे, लाख दो लाख पांच दस लाख जो भी मांगोगे तुम्हें देंगे। 12,80,000 लूंगा सर। 12,80,000? 13,00,000 क्यों नहीं? क्योंकि 13,00,000 की मुझे जरूरत नहीं है। रहते कहाँ हो? तुम्हारा था पता? जहां रात हो जाती है वहीं सो जाता हूँ। वैसे मेरा पोस्टल पता अमीना गेस्ट हाउस, माउंट मेरी, पैंड्रा, बॉम्बे। अमीना जी आप ही हैं? लो इनकी सुनो सलीम, ये पूछते हैं कि अमीना मैं ही हूँ। अरे भैया इस वक्त मैं खत लिखवा रही हूँ, जो कुछ कहना है फटाफट कहो। हमारे सेठ जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं ये जगह नहीं बेचूंगी कि तुम्हारे सेठ जी यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर लें। और भैया अल्लाह से डरो, इस मुई बम्बई में गरीबों को सर छुपाने के लिए तुम लोग कोई जगह नहीं छोड़ोगे। हर जगह बिजनेस वाले की बिल्डिंग खड़ी कर देते हो। अरे वाह लुटस पड़ गई है क्या? एक खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रहे हो? कुछ मुंह से फूटो भी कि तुम्हारे सेठ जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बोलने का मौका दें तो मैं कुछ अर्ज करूँ। लो मैंने तुम्हारे मुंह में ठेक लगा दी है क्या? माथुर सर आप लीजिए, सेठ जी खुद आ गए। आप क्या बातें करना चाह रहे हैं? आदाब। अरे अल्लाह मारी ये बूटी काढ़ी है, 4 दिन में ब्याह के ससुराल जाएगी तो खानदान का नाम रोशन करेगी। क्या बोल रहे थे आप? अभी तक तो कुछ नहीं बोला, आप कुछ बोलने का मौका दें तो मैं बोलूं। लो मैं बोलने का मौका दूं? मैं तो कब से खामोश हूँ। हाँ भैया क्या? मुझे राजेश के बारे में कुछ पूछना है। अल्लाह का नाम लो, राजू के बारे में क्या पूछना है? देखो जी चांद में तो फिर भी दाग होता है, मेरा राजू तो बेदाग है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी पूछताछ तो करनी चाहिए। उसके माँ बाप कौन है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, किस खानदान से है? जरा रुकिए भैया, माँ बाप ना होने से आदमी लुच्चा लफंगा नहीं हो जाता। वो जमाने लग गए जब खानदान देखे जाते थे, आजकल मुए खानदान है कहाँ। हाँ तो सलीम क्या लिखा? एक हफ्ते से खत लिखवा रही हूँ, मुआ 4 हरफों से आगे ही नहीं बढ़ता। यानी राजेश अच्छा लड़का है। लो मैं पूरी रामायण पढ़ गई और आप पूछते हैं कि राम कौन थे। मुझे तो जिंदगी भर यही कोफ्त रहेगी कि वो माटी मेला मेरी कोख से क्यों नहीं जन्मा। और सुनो अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो उसे फौरन दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए। आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। भैया इन दीदों ने दुनिया देखी है, आप अपनी बेटी के हाथ जल्दी से पीले कर दीजिए।
अल्लाह आपका भला करे। मेरी असर की नमाज का वक्त हो गया, चलिए खत कल लिखवाऊंगा। हाँ। भैया मैं चली। यस सर, मैं भी यही कह रहा था। तुम हाँ कह रहे थे, तुम सुन रहे थे, मैं कह रहा था। आज फिर पड़ गए अंकल आपको? नहीं ऐसा नहीं, दरअसल। अच्छा हुआ बेटी तू आ गई। कोई कैंसर से मरता है, कोई डायबिटीज से मरता है, मैं मरूंगा इस माथुर नाम की बीमारी से। मैं समझा नहीं सर। यही तो बीमारी है। देख बेटी, इससे पहले कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो, इस पार्टी का सारा इंतजाम तू अपने हाथ में ले ले। पार्टी? कैसे पार्टी पापा? अरे वो मेरे एक जिगरी दोस्त का बेटा बहुत दिन बाद हिंदुस्तान आ रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये ले लिस्ट और हर एक को पर्सनल इनविटेशन भेजना। जी। खास कर कैलाश और उनके पिताजी को बुलाना ना भूलना। उन्हें कैसे भूल सकती हूँ पापा? हाँ, मैं चाहूंगा कि वो दोनों मेरे इस दोस्त के बेटे से जरूर मिले। अम्मा तुम भी कहाँ की बातें ले बैठी हो। अरे तो क्या उन्हें बावले कुत्ते ने काटा था कि चले आए तेरे बारे में जांच पड़ताल करने? अम्मा वो यहाँ शादी की बात करने नहीं आए थे, मुझसे एक काम करवाना चाहते हैं। काम भरोसे का है इसलिए पूछताछ करने आए होंगे। उल्लू मत बना मुझे, माँ ना सही, अरमान तो माँ जैसे ही है। ले तेरे लिए दो खत आए हैं, मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। राजू तुम्हें बार बार अपनी मजबूरियां लिखते शर्म आती है, पर तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? तुम न होते तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि अनाथ विजय यहां तक आ जाएगा। मुझे 500 पाउंड की सख्त जरूरत है, बस इसके बाद मेरी ट्रेनिंग के लिए और पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम मुझे पार्ट टाइम जॉब करने देते तो सारा बोझ तुम पर न पड़ता। तुम्हारा विजय। राजू बेटा किसकी चिट्ठी है? विजय की चिट्ठी है। क्या लिखा है? लिखा है कि वो जल्द ही अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस आ रहा है। अच्छा। अब तुम उसके लिए एक हूर जैसी हसीन, परी जैसी नाजुक दुल्हन ढूंढने में लग जाओ। हेलो अंकल। हेलो राजेश। हेलो अंकल। क्या हाल है? ठीक हूँ। सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हूँ, ठीक तरह अमल करना। जी। अच्छा ये बताओ, अमेरिका में डैडी तो ठीक है? रेनू, तुम्हारे पापा इस लड़के में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरी हेलो का भी जवाब नहीं दिया। उफ़ो, तुम जलते बहुत हो कैलाश। अरे कैलाश तुम अकेले, ये तुम्हारे डैडी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। अंकल बिजनेस, और वैसे भी डैडी पार्टियों से कतराते हैं। जी हाँ। अच्छा करते हैं। राजेश जी, ये है कैलाश, तेरा होने वाला दामाद, इसे अच्छी तरह से देख लो। और कैलाश ये है राजेश, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त का बेटा। हेलो। जी हाँ, वो तो इनके लिए आपका प्यार देख के लग ही रहा। और ये है हमारी बेटी रेनू। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। कैलाश, राजेश का अमेरिका में बहुत बड़ा कारोबार है और यहाँ भी एक बहुत बड़े चैलेंजिंग काम के लिए आया है। अगर कामयाब हो गया तो हमें बड़ी खुशी होगी। कामयाब ये होंगे और खुशी आपको होगी, बात को समझ में नहीं आ जाएगी। आ जाएगी अगर इसे सफलता मिल गई तो। अंकल आज तक जिस काम में भी मैंने हाथ डाला है हमेशा सफलता ही मिली है। हाँ अगर कभी नाकाम हो गया तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कॉन्फिडेंस, यानी अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस। एनीवे बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वैसे राजेश जी आप जी तो सिर्फ लीडर्स और फिल्म स्टार्स के लिए ही अच्छा लगता है, जैसे नेताजी, मुरारजी, रेखा जी, राखी जी, लता जी और भाभी जी भी। अरे हाँ वो लता जी से याद आया, ये अपना राजेश भी कमाल का गाता है और जब गाता है तो सबके दिलों पे छा जाता है। आप तो अंग्रेजी में ही गाते होंगे। जी नहीं, जैसा देश वैसा वेश। यानी आप हिंदी कितने गा लेते हैं? जी हाँ, आपको कोई शक है? तो फिर देर किस बात की है, हो जाइए शुरू। मिस्टर कैलाश, गाने का कोई मौका होता है, कुछ मूड होता है, होता है ना रेनू जी? अगर मैं कहूँ तभी नहीं कहेंगे आप? क्या बात कर रही हैं आप गाने के लिए कह रही हैं? मैं आपके कहने पर इस महफिल में रोने के लिए भी तैयार हूँ। फिलहाल तो आप गाना ही सुना दीजिए, रोना फिर कभी सुन लेंगे। जी la 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 la
न जाने कब इधर किस पर मचल जाए, संभलना बड़ा शैतान है दिल, अजीब ईमान है दिल, न जाने कब इधर किस पर मचल जाए, संभलना बड़ा शैतान है दिल। बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। शादी? आज अचानक तुम्हें शादी की याद कैसे आ गई? ओहो, तुम समझती क्यों नहीं हो? ओ, समझ गई। तुम्हें मेरा राजेश के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगा, यही ना? कैलाश, तुम बिल्कुल एंटिक हो। एंटिक? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम पैदा तो इसी जमाने में हो गए हो, लेकिन तुम्हारे विचार बिल्कुल बाबा आदम के जमाने के हैं। क्या? हाँ कैलाश, राजेश पापा के खास दोस्त का बेटा है, और अगर मैंने उसके साथ डांस कर लिया तो उसने बुरा ही क्या किया, और वैसे तुम भी तो ना सकते थे,
उसने तुम्हें रोका तो नहीं था? उसने तो नहीं रोका था, पर तुमने मुझे चांस ही कब दिया? दूंगी, जरूर दूंगी, लेकिन शादी के बाद। वैसे भी तुम शादी के बाद क्या करने वाले हो, सिवाय नाचने के? लो, कायला ही तीर निशाने पर लग गया। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बिटिया इस गधे को घास भी नहीं डालेगी, क्यों? जी, जी हाँ सर। लेकिन सर, कैलाश को रेणु जी की जिंदगी से निकालने के लिए मुझे उनसे प्यार की एक्टिंग करनी पड़ेगी। आपको कोई इतराज तो नहीं? आज सिर्फ एक्टिंग तक रहे, समझ गए? जी। यस। जी मैं राजेश बोल रहा हूँ। राजेश, बड़ी लंबी उम्र है, अभी अभी रेणु तुम्हारी ही तारीफ कर रही थी, कहो कैसे टेलीफोन किया? मैं आपको डिनर पे बुलाना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे? रेणु को नहीं बुलाओगे? क्यों नहीं, मगर उसके लिए आपसे पूछना पड़ेगा। देखो बेटे, मेरी एक बिजनेस की मीटिंग है तुम्हारे ही होटल में, वो खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा, और ये रेणु से तुम खुद बात कर लो। हेलो राजेश। हेलो, तो आप आ रही हैं ना? क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। बाय। हाय रेणु, मुझे पूरा यकीन था कि तुम घर पर ही मिलोगी, नहीं मिलती तो सारा मजा किरकिरा हो जाता। कैसा मजा? वो मजा जिसमें तुम हमेशा मजा लेती हो। तुम्हें थ्रिलिंग गेम्स का बहुत शौक है ना? आज नेहरू स्टेडियम में बॉक्सिंग का जबरदस्त मुकाबला है, बड़ी मुश्किल से दो टिकट लेकर आया हूँ। चलो, देर हो रही। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैंने राजेश को टाइम दिया है। राजेश को? मेरे टाइम से उसका टाइम कब से बड़ा हो गया? बात बड़े छोटे की नहीं है कैलाश, बात सिर्फ टाइम की है। राजेश मेरा इंतजार करा होगा। बाय रेणु। अब तुम्हारा कहीं भी आना जाना मेरी मर्जी से होगा, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। अभी से इतना रॉक? देखो कैलाश, मैं वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। हाँ, तुम एक काम करो, कोल्हापुरी चप्पलों की दुकान खोल लो। चप्पलों की दुकान? वो क्यों? खूब चलेंगी। अब मैं चलती हूँ, ड्राइवर गाड़ी लाओ। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रियली यू आर द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। इतनी तारीफ ना कीजिए कि मैं किसी काबिल ना रहूं। मुझे तो ये सोच सोच कर डर लग रहा है कि तुम एक दिन अमेरिका वापस चले जाओगे। वो तो जाना पड़ेगा ही। जाने की जल्दी तो नहीं? वो तो काम खत्म होने पर है, अगर काम आज खत्म हो जाए तो कल चला जाऊंगा। फटाफट फर्स्ट सुनो। एक बात ना ही तो तुमने मुझे बताई और ना ही पापा ने कि तुम वहाँ करते क्या हो। रुपए जमा करता हूँ, दुनिया के कोने कोने में घूमता हूँ। अच्छा, अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला आज तक। अब बताइए अपने बारे में। कैलाश तुम? ये क्या हो गया है तुम्हें? इनका बुरा मत मानो रेनू, ये नशे में। मैं नशे में नहीं हूं, अगर नशे में होता तो तुम्हें जान से मारता। यही नहीं सर कैलाश, अगर आप मेरे मेहमान के मेहमान न होते तो मैं आपकी इस बदतमीजी को कभी माफ नहीं करता। कैलाश! रुक लड़े। तुम्हें चोट तो नहीं है रेनू? नहीं। गुड। मिस्टर कैलाश, अब आपने मेरे मेहमान के साथ बदतमीजी की है, मैं आपकी इस बदतमीजी को कभी माफ नहीं कर सकता। Thank you.
बस बस। अरे अरे अरे, ये क्या? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना बेटे? पापा, मैं इस नीच कमीने के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। ये रही तेरी सगाई की अंगूठी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बेटा कैलाश? तुम भीग तो गए हो, एक डुबकी और लगा लो और अंगूठी निकाल लो। जी हाँ, खानदानी अंगूठी है, नहीं निकालोगे तो तुम्हारा बाप नाराज हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। अभी तक तेरे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। चुल्लू भर शराब पीकर तूने अपने बाप का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया कंबख्त। खेल मैंने नहीं, खेल तो राजेश ने बिगाड़ा डैडी। कौन? राजेश? क्या ये वही राजेश है जो साय की तरह रेनू के साथ लगा रहता है और जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी दौलत है? जी हाँ डैडी। लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर। देखता हूँ इस राजेश के बच्चे को मैं। अरे भाया, तुम फिक्र मत करो, काम तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने दाम भी बिल्कुल ठीक भर दिए। लो, दाम की बात बाद में सेठ जी, पहले ये बताइए कि काम क्या है। अरे काम तो बिल्कुल सीधा भाया, वो रेनू है ना। अरे अपने सुंदर से रखी बेटी, उसकी जिंदगी में से हमेशा के लिए निकल जाओ। हाँ, ये अभी तक चेक ही है ना सेठ जी? हाँ, क्यों? समझा, अब आप इसे जहाँ चाहे रख सकते हैं। अरे छोरे, अरे मतलब कहीं वही तो नहीं जो मैं समझ रहे हूँ? जी बिल्कुल वही। ओ, तब तो बुरे घर नियुक्ता दे रहे हो। बुरे घर नहीं, बहुत बुरे घर। सेठ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ठीक दाम के साथ ठीक काम का होना बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ से दफा हो जाइए। छोरे, तुम्हें थारी जिंदगी प्यारी नहीं लगती? मेरो के, मैं तो इस चेक से तुम्हारी मौत खरीद लूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। And now get out. I said get out. अरे थारी अंग्रेजी तो मां निकालूंगा अच्छी तरह, देखता रहियो। ये खाक पड़ा मुआ कौन था? था कोई। और ये रेनू कौन है? बहुत अच्छी और मासूम लड़की है अम्मा, ये कमीना उसकी बर्बादी का सौदा करने आया था। छीना! क्या बे? अरे यार, ये हाथी की छून की तरह तुम अपना मुंह लटकाए हुए क्यों आ रहे हो? कहीं वो राजेश ने तो नहीं लटका दिया? अबे तुम्हारी! देख भैया, कभी तो अपने मुंह से ठीक ठीक बोला कर, और वो पिद्दी का मुझे क्या लटकाएगा? अब उस चूजे को सूली पे कैसे चढ़ाता हूँ ये तुम देखते रहना। समझ गया समझ गया, आज शनिचर के दिन उसने तुम्हारा छंदे कर दिया, यानी कि छुट्टी। मैं उसकी इस दुनिया से छुट्टी कर दूंगा। अरे सुदर्शन राय की बेटी कैलाश का छंदे कर देगी, ये तो मेरे को पहले से ही मालूम था। इसीलिए मैं कैलाश और अपने चार एमपीज के लिए 5 लड़कियों वाले 2 खानदान ढूंढ के रखा हूँ। एक तो अपने नवाब साहब है, उनकी 3 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम है अनवरी, दूसरी का नाम है अक्तरी और तीसरी का नाम है छत्तरी। अबे ये भी कोई नाम हुए? अरे यार, जैसे नाम अपने लौंडों के वैसे ही नाम है ना। लेकिन इतवारी उनकी कोई जात पात? अरे यार, जात पात को मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ मानता हूँ तो पैसे को, पैसे को। और सबसे बड़ा पैसे वाला है वो अपना लोबो छाप, उसकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम है जनवरी और दूसरी का नाम है फरवरी। और जनवरी में इसको दूंगा। मुझे फरवरी चाहिए। मुझे अनवरी चाहिए। मुझे अख्तरी चाहिए। लेकिन अभी बच्ची कौन थी? तरी। वो मैं तुम्हारे लौंडे कैलाश के हाथ में थमा दूंगा। व्हाट? उसके बाद में अपन दोनों करोड़पति। और शट अप, ओ कम ऑन। मैं कमीना हूँ, मैं हरामजादा हूँ, हरामखोर हूँ, मगर कुत्ता नहीं हूं, क्योंकि कुत्ता वफादार जानवर होता है। आई भाई जी, ये कागज पर तो कोई आपका बखान कर रहे हो। ये तुम्हारा कन्फेशन है मिस्टर रमेश। अब जो मैं कहता हूं वो लिखो और ये गलत मारवाड़ी बोलना छोड़ दो। लिखो। लिखना है तो मैं अपने पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, लिखो। मैं रमेश सिन्हा वल्द महेश सिन्हा, सरकार मुझे मुर्दा समझती है लेकिन मैं जिंदा हूँ। समझती है,
लेकिन मैं जिंदा हूँ। और इस बात का इकबाल कर के राज बहादुर वर्मा का कत्ल भी मैंने ही किया था। बहादुर लिखो नहीं तो गोली मार दूंगा। अब दस्तखत करो और तारीख डाल दो आज की। अब पुलिस को टेलीफोन करो और बुलाओ। पुलिस जल्दी। हेलो, जो इसमें लिखा है वो पढ़ो। क्या खून? जल्दी से एड्रेस लिखवाइए। यस यस यस। ओह, आजकल की पुलिस तो बड़ी जिम्मेदार हो गई है। बस जल्दी आती होगी, इन मारो क्या होएगा? वही होगा जो आज से 15 साल पहले होना चाहिए था। सो तो हो गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। यह है रमेश सिन्हा। आज से 15 साल पहले इसने मेरे दोस्त और पार्टनर राज बहादुर वर्मा का खून किया था। ये आप क्या कह रहे हैं? वो केस मेरे हाथ में था और हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक रमेश सिन्हा भी कब का मर चुका है। उस केस की फाइल बंद हो चुकी है। जी नहीं, वो अभी तक जिंदा है। क्या सबूत है आपके पास? ये सबूत आप खुद ही देख लीजिए। मैं कमीना हूं, मैं हराम। ये कैसा मजाक है? आप आगे तो पढ़िए। आगे कुछ हो तो पढ़ूं। आप ही पढ़िए। अपना पेन। राधे श्याम सिंधानिया नु मारते मारते सुदर्शन राय खुद ही मर गए। आतुर, मैं उस हरामजादे सिन्हा को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आज अचानक मुझे लंदन न जाना होता तो मैं उसकी वो तमाम पुरानी फाइलें खुलवा देता जो पुलिस ने बंद कर दी। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ सर, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है सर, रेनू बेटी उन बदमाशों से बच गई। इस राजेश ने तो वाकई कमाल कर दिया सर। हाँ, जब मैं उसके सौदे की रकम देने गया तो अमीना बाई से पता चला कि वो बाहर किसी प्रोग्राम के लिए गया हुआ है। हम तो उसे इनाम भी देना चाहते थे। और हाँ माथुर, राजेश की असलियत हमारी बेटी रेनू को कभी ना पता चले, समझे? जी। मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ। देखो बेटी, ऐसा वादा मत लेना जो मैं पूरा ना कर सकूं। नहीं पापा। तो बोलो। पापा, मैं चाहती हूँ कि आप अपने विदेश में फैले हुए बिजनेस को हिंदुस्तान में क्यों नहीं समेट लेते? मुझे खुशी है कि तुमने पहली दफा किसी सही बात की मांग की। अब बोलो, तुम्हारे लिए तोहफा क्या लाऊं? आपको तो मेरी पसंद पता ही है। ठीक है, इस दफा तुम्हारे लिए मैं एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आऊंगा। सच पापा? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय बाय। बाय। ए अल्लाह से डरो भैया, जिस भाव तुम टमाटर दे रहे हो ना, उस भाव तो चांदी मिला करती थी मेरे बचपन में। बड़ी भी, आपके बचपन को 200-300 बरस तो हो ही गए होंगे। चुप मुए, ये ले अपने दाम और पैसे वापस दे। बैंगन जैसी बेगुन चीज 10 रुपए किलो, गाजर 12 रुपए किलो, टमाटर 15 रुपए किलो और मटर 20 रुपए किलो। ये महंगाई तो ऐसी बढ़ी है। अरे उठा उठा बड़ी बीबी, ये क्या? आपको चोट तो नहीं आई माँ जी? थोड़ी चोट तो आई है बेटे, लेकिन इसमें ना तेरा कसूर है ना मेरा। कसूर तो इसमें ही महंगाई का है जिसमें मैं उलझी हुई थी, इसलिए तेरी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई दिया। चलिए मैं आपको अपने घर तक पहुंचा देती हूं। अरे नहीं बेटी, मेरा घर है ही कितनी दूर, मैं चली जाऊंगी। जी नहीं, मैं आपको अपने घर तक पहुंचाने के बाद ही जाऊंगी, संभल के माँ जी। अरे छोड़ बेटा, मैं निगोड़ मारी मिर्जा फोया की सगी संबंधी थोड़ी हूँ कि जरा सी मार लगने पर हाय वाय करने लग जाऊं। तंगड़ी में जरा चोट है। अरे बेटा, अल्लाह बख्शे मियां मरहूम को, जरा सी चोट लगती थी तो डॉक्टरों की फौज खड़ी कर देते थे, उनके उठ जाने से तो दर्द का मजा ही उठ गया। माँ जी, ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? रखी हुई है और क्या कर रही है। ज्यादातर तो बाहर ही रहता है, पर जब यहाँ आता है तो फिर देखो चोचले उसके, अपने हाथों से तो निवाला नहीं तोड़ता। अम्मा खिलाए तो खाए, अम्मा सुलाए तो सोए, अम्मा जगाए तो जागे, अम्मा तो बेचारी फिरकी बनी नाचती फिरती है इधर उधर। माँ जी, ये आपके बेटे हैं? मेरे लिए तो बेटे से कुछ ज्यादा ही है। जब भी आता है घोड़े पर सवार आता है, कहता है अम्मा बीरी पराठा खिला दो, अम्मा हरे बूट की दाल पका दो, अदरक का हलवा खाए हुए तो जमाना हो गया। बेटी, मियाँ और औलाद के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन आजकल की निगोड़ मारियों को फैशन से फुर्सती कहाँ है। एक रोटी बेलने बैठे तो 70 कोने निकल आते हैं, कभी तो खावे इधर उधर टांग झांक करता है। हाय अल्लाह, दूध के जलने की बू आ रही है। बेटी जरा लपक के पतीली तो उतार ले, शबाना को बिठा गई थी यहाँ।
क्या हुआ बेटी? माँ जी वो दूध भी गिर गया और हाथ भी जल गए। ए दूध गया भाड़ में बेटी, पर जवान जहान लड़की के ये लक्षण कि दूध की पतीली भी ना पकड़ पाई तो अपने मियाँ को क्या पकड़ोगी? मियाँ तो बहुत गर्म चीज होती है बेटी। माँ जी आप मुझे बरी पराठे बनाना सिखाएंगी? बरी पराठे नहीं बेटी, बीरी पराठे। अच्छा माँ जी मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, पर मैं आपसे बीरी पराठे और हरी बूट की दाल सीखने जरूर आऊंगी। अच्छा माँ जी एक बात बताइए, बूट तो जूतों कहते हैं, क्या जूतों की दाल बनती है? हाय दिया, तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि बूट हरे चने को कैसे हैं। अच्छा नमस्ते। जीती रहो। पागल लड़की। तू कब आया? अभी आया अम्मा। अम्मा तू पागल किसे कह रही थी? हा? जाने कौन लड़की थी, कह रही थी बूट जूते को कहते हैं और क्या जूते की दाल बनती है। पगली तेरी की। अरे हाँ वो आए थे, अल्लाह भला करे तेरा क्या नाम है उनका? राय साहब। उन्हें जल्दी लगती है कि तू उनके घर से अपनी अमानत ले आए। मैंने भी कह दिया कि क्या लावारिस है जो अकेला आएगा, मैं आऊंगी उसे लेकर। हे भगवान, जब अम्मा को असलियत का मालूम पड़ेगा तब क्या होगा? अब हमारा क्या होगा बेटी, ये खाना हमको भी खाना पड़ेगा। और हर चीज तैयार है और ये रोटी बन गई, ये देखो। और मैंने वो मैम साहब राजेश बाबू आए हुए हैं। राजेश ओ उन्हें बिठाओ। नथुलाल जी अब मेरे फॉर्मूला का खाना बहुत जल्दी बाहर आना चाहिए, और हाँ आप पहले एक एक डिश को चखेंगे फिर टेबल पर खाना लगाएंगे, ओके? बेटी तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से खाना बाहर फेंको। अरे दे 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 दे। ओ, कुत्ते तो बने हुए हैं ना, वो क्यों? अबे अगर कुत्तों ने खाना खाया तो उनका क्या होगा? अरे ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? जल्दी से नया नया खाना बनाना सीखो तो हुलिया तो बिगड़ेगा ही और हाथ भी जलेंगे। जलने दो राजू, लड़की को एक दिन पराए घर जाना होता है तो फिर पराए घर में हाथ क्यों जले? तुमने कभी अदरक का हलवा खाया है? अदरक का हलवा नहीं खाया ना, अमेरिका में तो बनता ही नहीं होगा। और हरे बूट की दाल? हरे बूट की दाल खा गए ना चक्कर? बूट माने जूता नहीं, चना, हरे चने की दाल। मैं भी लाती हूँ। हाँ ठहरो, बाद में, पहले मुझे अंकल से एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात मुझसे नहीं कर सकते क्या? नहीं रेनू, बात कुछ ऐसी है जो मैं सिर्फ उनसे ही कर सकता हूँ। हाँ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बड़ों से ही की जाती हैं, लेकिन हम भी तो सुने, बात क्या है? दरअसल उनके पास मेरी एक अमानत है। मैं जानती हूँ क्या अमानत है। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है? राजू कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना किसी के बताए ही समझ में आ जाती हैं, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों के लिए सब्र करना होगा क्योंकि पापा तो लंदन गए हुए हैं। कब तक आएंगे? जब तक वो नहीं आ जाते मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। शहर की वो जगह दिखाऊंगी जिन्हें देखकर तुम्हें अपने सपनों की तस्वीरें याद आ जाए। लेकिन मैं तो हेल्प वीडियो में पहले कुछ खाते हैं फिर चलते हैं। हाँ प्लीजा जल्दी से अदरक का हलवा ले आओ, चलो ना। देखो बनाने वाले ने कितनी खूबसूरत और जीती जगती मूर्तियां बनाई हैं, कितना प्यार होगा उसके दिल में। ऐसा लगता है ये भी चलने फिरने लगेंगी और बोलने लगेंगी। पत्थर बोला नहीं करते रेनू जी। राजू मुझे अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे इतने पास हो गए हैं, कितने दूर हो। तुम्हारी आंखें तो कुछ कहना चाहती हैं मगर शायद तुम्हारी जुबान साथ नहीं देती। और जानते हो आंखें दिल का आईना होती हैं, इन मूर्तियों की आंखों में गौर से देखो और महसूस करो कि इनमें क्या छुपा है। छुपा हुआ तो कुछ नहीं है। लगता है तुम यहाँ और यहाँ से बिल्कुल खाली हो। मूर्ति बनाते समय जो मूर्तिकार के दिल में था वही मेरे दिल में भी छुपा है।
चलती फिरती भयानक मूर्तियां कहां से आ गई? क्यों भाई साहब, आप अपनी बहन को कहां ले जा रहे हैं? बहन के बच्चे, हम हमारा काम कर रहे हैं, तुम हमारा रास्ता छोड़कर अपना रास्ता नापो, समझे क्या? रास्ता नापो, एक दो तीन चार। Thank you.
अबे साले, रास्ता नापने से पहले अपना सामान तो लेता जा, वो देख चल। बात इतनी है कला सेठ, उस साले ने मार के हमारे भज्जे बना दिए। वो तो मैं देख ही रहा हूँ सालो, अपने आप को मर्द कहते हो तुम लोग, मर्द नहीं छक्के और साले छक्के। तुम्हारा मुंह इस गाड़ी में बैठने लायक नहीं है, पैदल आओ। अब जो कदम उठाऊंगा मैं खुद। ये बात तो मैं आपकी मानता हूं राय साहब कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, पर अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसकी शादी विजय के साथ कर देता और आपको विजय की हवा भी नहीं लगने देता। शेखर, पिछली दफा भी तुमने इतनी तारीफ की थी और अब भी कर रहे, तो मेरा ख्याल है बात करके देख लेते हैं। वो आता ही होगा, टाइम का बड़ा पंचुअल है। लो। नमस्ते सर। आओ विजय भाई, पिछली दफा इतनी जल्दी जाना पड़ा कि मुलाकात अधूरी रह गई जी। पहले मुलाकात पूरी कर लें। जहां तक मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम बंबई के रहने वाले हो जी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ ही? माता पिता नहीं सर। आई एम सॉरी। फिर तुम्हारी ट्रेनिंग और यहाँ रहने सहने का खर्चा वगैरह? है एक नेक इंसान जिसने मुझे अपने स्वर्ग पिता का सपना पूरा करने के लिए यहाँ भेजा है। दुनिया अभी अच्छे लोगों से बिल्कुल खाली नहीं हुई है। वैसे तुम्हारे पिताजी करते क्या थे? वो केमिकल इंजीनियर थे सर, डॉक्टर राज बहादुर वर्मा। व्हाट? मेरे बेटे विजय, विजय का ख्याल रखना। डॉक्टर राज बहादुर वर्मा? यस सर। क्या आप उन्हें जानते थे? मगर उनका बेटा तो बोट एक्सीडेंट में। नहीं, मैं कश्ती उलटने के बाद डूब कर मर गया होता अगर वो फरिश्ता जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ मुझे बचा नहीं लेता। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते थे? जी देवलाली कॉन्वेंट में। देवलाली कॉन्वेंट में। राय साहब। बेटे, आज मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हट गया। कैसा बोझ सर? तुम्हारे पिता की मौत से जो जख्म मेरे सीने पर लगा था आज वो भर गया। पीछे तुम ही मेरे स्वर्गवासी दोस्त और पार्टनर के बेटे हो। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि तुम्हारी लाश तक नहीं मिली। बेटे, मेरे पास तुम्हारी दो अमानत है। शेखर, विजय आज ही मेरे साथ हिंदुस्तान जाएगा। आज ही? पर इसकी ट्रेनिंग खत्म होने में तो एक महीना बाकी है। वो मैं नहीं जानता। और फिर ट्रेनिंग किस लिए? अब कौन सी इसने नौकरी करनी है? पर सर, मेरे पिता का एक सपना था जिसे पूरा करने के लिए मुझसे ज्यादा मेरे दोस्त ने तपस्या की है। अगर आप मुझे अपने साथ ले गए तो मेरी सारी मेहनत और मेरे दोस्त की तपस्या। बेटे, हम समझ गए। शेखर जी, विजय अब तुम्हारा सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं हमारी अमानत भी है। इसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? जी हाँ। बेटे विजय, तुम अपनी ट्रेनिंग खत्म होते ही सीधा हमारे पास हिंदुस्तान चले आना जी। और हाँ, हम तुम्हारे उस नेक इंसान से जरूर मिलना चाहेंगे, हम जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूल सकते। और अपनी प्यारी बेटी रेनू को हम एक बहुत बड़ी सरप्राइज देंगे। जल्दी करो ना, और ये देखो कितनी धूल पड़ी है, ये एशटी भी अभी तक साफ नहीं हुआ। रेनू। पापा। अरे कैसी है मेरी गुड़िया? बिल्कुल वैसे जैसे आप छोड़ गए थे। सॉरी पापा, मैं आपको एयरपोर्ट लेने नहीं आ सकी क्योंकि मैं जरा आपके स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी। आप तो हमें भी किसी के स्वागत की तैयारी करनी है। किसके? हमने अपनी गुड़िया के लिए दूल्हा चुन लिया है। तब तो आपने मेरी ही पसंद का चुना होगा क्योंकि हम अपनी बेटी की पसंद जानते हैं। अच्छा, तो क्या है आपकी बेटी की पसंद? बेटी, हमने तुम्हारे लिए ऐसा लड़का चुना है जो भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। आगे बढ़िए। फिर हमने सोचा कि हमारी बेटी अकेले घर में रही है इसलिए वो भीड़ भड़के वाले घर में जाना पसंद नहीं करेगी। करेक्ट? 100% करेक्ट। आगे? तो हमने ऐसा लड़का ढूंढ निकाला जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और जो विदेश में रहने के बावजूद अपनी सभ्यता को बिल्कुल नहीं भूला। 200% करेक्ट। पापा, आपकी और मेरी पसंद में कोई फर्क नहीं है। कैसे हो सकता है? जो बाप की पसंद वो बेटे की पसंद। करेक्ट। 100% करेक्ट। तब तो आप उसकी तस्वीर जरूर लाए होंगे। तस्वीर? बस यही मार खा गया, तस्वीर लानी भूल गया। कोई बात नहीं, मैं दिखाई देती हूँ आपको उसकी तस्वीर। तुम? हाँ पापा, आप अंदर तो चलिए। Thank you.
स्वागत की तैयारी हो रही थी। जी? पापा? पापा क्या है पापा? पापा ये क्या कर रहे हो? लेकिन आप ये तस्वीर क्यों निकाल रहे हैं? क्या किया है मेरे राजू ने? तुम्हारे राजू ने? शट अप! इस धोखेबाज ने क्या किया है इसका जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। मेरे राजू ऐसा नहीं कर सकते। अगर उसने आपकी बेटी के साथ कोई छल कपट या फरेब किया है तो वो मेरी नजरों से हमेशा के लिए गिर गया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अमीना जी, इस दुनिया में कुछ लोगों का दीन ईमान सिर्फ पैसा है, उनमें से तुम्हारा राजू भी एक है। नहीं। वो कमीना आए तो उसे कह देना कि अपनी बेईमानी का मुआवजा आकर मुझसे ले जाए आज ही। राजू। अम्मा क्या हुआ? अम्मा तुम रो क्यों रही हो? वो गाड़ी में रायसा भी थे ना? पूछता है कि क्या हुआ? दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। आज तूने पैसे के लिए एक माँ की ममता और विश्वास को बेच डाला। देख देख ले इसे, देख ले और जाके ले अपने पैसे। अम्मा मेरी बात तो सुनो। अम्मा छोड़ दे मुझे और खबरदार दे मुझे अम्मा का। आज तक ये सर जो सिर खुदा के सामने झुका था, आज तेरी वजह से एक बंदे के सामने झुक गया। निकल जा, निकल जा। अम्मा मेरी बात तो सुनो। अम्मा अम्मा निकल जा, निकल जा। नहीं मानती पापा। तुम तो कैलाश के बारे में भी नहीं मानती थी। बेटी मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। फिर आप राजेश को यहाँ क्यों लाए थे? बेटी, सांप को मारने के लिए मैंने नेवला पाला था। मुझे क्या मालूम था कि वो खुद सांप बन जाएगा। कैलाश की बीमारी से तुम्हें बचाने के लिए मैं राजेश को लाया और उसने मुझसे इस काम के 12,80,000 रुपए मांगे थे। पापा, कहीं आप मुझसे राजेश को छुड़ाने के लिए दूसरा नाटक तो नहीं कर रहे ना? बेटी, तुम मेरा विश्वास नहीं कर रही हो ना। वो आता ही होगा। तुम ये बैग उसे खुद अपने हाथों से देकर देख लेना। सर, राजेश आ गया। उसे कहो हम आते हैं। ओके सर। लो, और ये बताओ कि मेरे पापा तुम्हें इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? बोलते क्यों नहीं? आपके पापा ने मुझे एक काम सौंपा था। कैसा काम? जब उन्होंने आपसे ये बैग मुझे देने के लिए कहा है तो काम भी बता दिया होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्योंकि पापा ने मुझे जो कुछ बताया उससे मेरे दिल नहीं मानता राजू। ये पैसा आपके साथ प्यार का नाटक करने की कीमत है। कीमत? तो देर बाद साहब, ये सच है कि मैं बाल मंदिर को बचाने के लिए वक्त पर रकम अदा नहीं कर सका। और ये भी सच है कि अगर आज पैसे जमा ना करवाए तो सेठ मोतीराम जी आश्रम के मालिक बन जाएंगे। जज साहब, आपसे और मोतीराम जी से ये मेरी प्रार्थना है कि उन यतीम बच्चों के ऊपर रहम खाएं। जज साहब, मुझे मिशन नाज से पूरी हमदर्दी, पर 15 लाख में से सिर्फ 2,20,000 जमा किए गए, 12,80,000 अभी बाकी है। मैं जिंदगी भर इंतजार तो नहीं कर सकता, और फिर यतीमों को पालने का ठेका मेरा तो नहीं है। एक बच्चे ने जो कभी खुद यतीम था, अपने यतीम भाइयों के लिए जी जान एक करके 2,20,000 रुपए जमा कराए। अगर थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सेठ जी की पाई पाई चुका दी जाएगी।
मुझे अपने राजू पर भरोसा है। मैं आपकी परेशानी और बच्चों के दुख को समझता हूँ मिस्टर नाथ, पर मेरे हाथ भी कानून से बंधे हुए हैं। आपने जो पहले मोहलत मांगी थी वो आज खत्म हो जाएगी, इसलिए बाबा बाल मंदिर की जमीन और उसकी इमारत से आपको बेदखल करके सेठ मोतीराम को। जज साहब, अभी मोहलत खत्म होने में एक घंटा बाकी है, ये लीजिए, इसमें बाकी की रकम है, गिन लीजिए। राजू बेटे, भगवान के बाद मुझे तेरा ही सहारा है, तूने 300 बच्चों को तबाह होने से बचा लिया। जीते रहो। अपने आप को संभालो बाबा, इन पैसे वालों को और आता ही क्या है, कभी गरीबों के झोपड़े तोड़कर बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, तो कभी यतीम खानों को मिट्टी में मिलाकर अय्याशी के अड्डे बना लेते हैं। जज साहब, आपके ऊपर भी एक अदालत है, एक इंसाफ करने वाला है, जिसे लोग ईश्वर और अल्लाह के नाम से जानते हैं, ऐसे लोगों का इंसाफ वही करता है। एक बात बताओ बेटा, इतने रुपयों से भरा हुआ ये बैग तू कहाँ से लाया? बैग? वो बैग तो किसी की अमानत है बाबा, मैं उसे वापस करके आपको बाल मंदिर में मिलूंगा। काश दिले नादां, ऐ काश दिले नादां, ऐसा न किया होता, प्यार किया होता, सौदा न किया होता, प्यार किया होता, सौदान किया होता, ऐ काश दिले नादा। गिराई हमने, हाँ
आशिया पे बिजली गिराई हमने, दौलत से मोहब्बत की कीमत लगाई हमने, कीमत लगाई हमने। नीलाम में हुआ था दिल तो नबी का होता, नीलाम में हुआ था दिल तो नबी का होता, प्यार किया होता सौदा न किया होता, ऐ काश दिले नारा। सर वो राजेश आया था ये बैग दे गया, वो लाया था जी, लेकिन वो फाटक के अंदर नहीं आया। सर बात 12,80,000 रुपए की हुई थी, ये बैग उस सौदे का हिस्सा नहीं है, इसलिए लौटा रहा हूं। राजेश। बेटे अब तो बता दे तू इतने पैसे कहां से लाया था? बाबा आप ये क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए कि मुझे पता चलना चाहिए कि तूने कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी बैंक या तिजोरी को तो नहीं तोड़ा। मैं बताती हूँ कि इसने पैसे के लिए क्या तोड़ा है। अम्मा इसने बैंक या तिजोरी से भी बड़ी चीज को तोड़ा है, अम्मा एक मासूम लड़की के दिल को। आपके इस बाल मंदिर को बचाने के लिए इसने अपनी जिंदगी को बेच डाला है, अपनी खुशियों का गला घोट दिया। अम्मा तुम आगे खुश नहीं बोलोगी तो मेरे, मुझे बोलने दे भैया। इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैं इसे गलत समझती रही, मैंने इसे मारा, धक्के दे के घर। बस अम्मा बस, तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, और तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ घर वापस चलना होगा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अमीना तू बता रही थी कि इसने इतने पैसे कैसे। ओ अम्मा आखिरी बस भी निकल जाएगी, जल्दी चलो। अच्छा बाबा तेरा अरे विजय तू राजू कैसा है यार? बाय लागू अम्मा। जीते रहो। कमाल का आदमी है यार, आने की खबर भी नहीं दी तूने। अरे खबर देकर आने में मजा ही क्या है, तुम लोग एयरपोर्ट पर आते, मुझे हार पहनाते और मैं एक नेता लगने लगता। आज कितना खुशी का दिन है यार, नाथ बाबा को दिया हुआ वचन भी पूरा हो गया और यहाँ आया तो तुझे सामने पाया। अम्मा एक दुआ करोगी? हाँ। कि जैसे ये मेरा बड़ा भाई बनके मेरे लिए सब कुछ कर रहा है ना, अगले जन्म में मैं इसका बड़ा भाई बनूं। अच्छा विजय अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे विजय तुम, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तुम लंदन से कब आए? हाँ तो मैं कल ही गया था सर, पर अपनी जिगरी के यहाँ रुक गया था। जिगरी? अच्छा वो तुम्हारा दोस्त जिसके बारे में तुमने लंदन में जिक्र किया था। जी भाई उससे मिलना तो हमें भी है। जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन सर जब आप उससे मिलेंगे ना आपका दिल जीत लेगा। अच्छा तो फिर उसे किसी दिन घर ले आओ। जी चलो पहले तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखा दूं। आओ। ये मेरे? हाँ बेटे यही तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है और यही वो कुर्सी है जिस पर तुम्हारे पिताजी बैठा करते थे। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी और खुशी भी कि तुम्हारे पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद मैंने आज तक किसी और को इस कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। आओ बेटे इसे अब तुम संभालो। ठीक है सर, आपकी आंखों में आंसू? हाँ बेटे ये तो खुशी के आंसू हैं जो मैंने बरसों से संभाल कर रखे हुए थे। अब मरने के बाद मैं तुम्हारे पिताजी से आंख मिलाकर बात कर सकूंगा। एक्सक्यूज मी सर। आओ आओ इनसे मिलो, ये है विजय वर्मा, डॉक्टर वर्मा के बेटे। प्लीज टू मीट यू। हेलो ये है मिस्टर माथुर। सी सी माथुर। मेरे राइट हैंड मैन। मैं भी यही, मैं ये कह रहा सर, ये वो डॉक्यूमेंट जो आपने, और
ये बंगले की चाबी और ये कार की चाबी। विजय, आज से तुम हमारे पार्टनर, जैसे कि तुम्हारे पिताजी थे। ये हैं कागजात, ये तुम्हारे मकान की चाबी, ये मोटर की चाबी। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये तो थी तुम्हारी पहली अमानत, अब घर चलो, वहां तुम्हारी दूसरी अमानत है। रेनू बेटी, बेटी ये क्या? जिंदगी जीने के लिए है, तुम्हारी ये तन्हाई, ये उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। बेटी, मैंने हमेशा कोशिश की है कि आंसुओं को तुम्हारी आंखों से दूर रखूं। मैं खुश तो हूं पापा। खुशी रहो। और बेटी, ये है तुम्हारी सरप्राइज, विजय वर्मा, तेरी बेटी रेनू। नमस्ते बेटी। तुम इतनी छोटी सी थी जब वर्मा अंकल की गोद में खेला करती थी, वो मेरे दोस्त भी थे, पार्टनर भी थे, ये उन्हीं का हुनर बेटा है, आज से हमारा कारोबार भी यही संभालेगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपके तजुर्बे की रोशनी चाहिए सर। भाई, ये सर वाली बात समझ में नहीं आई, आप तो हमारे पार्टनर हो। हाँ, उम्र के हिसाब से हमें अंकल कह सकते हो। जी देखो बेटे, तुम्हारी एक अमानत तो हम तुम्हें सौंपे, और तुम्हारी दूसरी अमानत है हमारी बेटी रेनू। पापा, मैं इनके लिए चाय। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जाओ। देखा बेटे, हमारे देश की लड़की कितनी ही मॉडर्न हो जाए, लेकिन शादी ब्याह के नाम पर शर्माई जाती है। रेनू बेटी। अंकल, आप बैठे के? तुम्हें लड़का कैसा लगा? पापा को तो अच्छा लगा है ना। बेटी, मैं पापा की बात नहीं कर रहा, तुमसे पूछ रहा हूँ। अपनी आंखों पर से तुम्हारा सही उठ गया है, यकीन मानिए अंकल, जब मैंने उसे आंखों तक देखा भी, अगर वो लड़का पापा को अच्छा लगा तो अच्छा ही होगा। अंकल, आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा बेटी। नए बंगले में? कहाँ है ये बंगला? अगेन सरप्राइज है ना। मैं पूछ रहा हूँ विजय यार, तुम्हारे हर सवाल का जवाब नए बंगले में मिलेगा। क्यों अम्मा? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, पर यहाँ मियाँ मरहूम की यादें रहती हैं, इस घर को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा अम्मा। कल नहीं बेटा, परसों। कल 27 रजब के कुंडों की न्यास है, सारा दिन उसी में निकल जाएगा, तुम भी आना। कल के कुंडों में मैं तुम दोनों के ब्याह की मन्नत मांगने वाली हूँ। अम्मा। विजय, एक बात तो बता यार, तू और क्या क्या सरप्राइज देने वाला है? ये तो तुम्हें कल ही पता चलेगा जब तुम नए बंगले पर आओगे। देखो माँ, किसी भी मेहमान को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। जी, मैं भी यही कह रहा था। आज तुम कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ मेहमानों को देखोगे, समझे? जी, मैं भी सबके ग्लास पर नजर रखेंगे। रेनू जी, इस खुशी के मौके पर मैं आपको क्या दूं? सब कुछ आपका, मेरा मतलब है अंकल का ही तो दिया हुआ है, ये ले लीजिए। मेरी तो बस यही दुआ है कि आपकी जिंदगी हमेशा ही गुलशन की तरह महकती रहे, जिसमें सिर्फ फूल ही फूल हो, कांटे ना हो। लीजिए। फ्रेंड्स, योर अटेंशन प्लीज। आज मैंने आप लोगों को यहां आने की तकलीफ इसलिए दी है कि मैं अपने होने वाले दामाद से आप सबको मिलवा सकूं। आओ बेटा, आओ, तुम भी आओ बेटी। दोस्तों, यह है विजय, मेरे स्वर्गवासी दोस्त और पार्टनर राज बहादुर वर्मा का बेटा। और अब बहुत ही जल्द एक अच्छा सा शुभ दिन निकालकर मैं इन दोनों की शादी पर आप लोगों को आने की फिर तकलीफ दूंगा। बेटा, तुम्हारा वो जिगरी नेक इंसान जैसे तुम फरिश्ता कहते हो, वो अभी तक आया नहीं? पता नहीं कहाँ रखे अंकल, मैं खुद हैरान हूँ, पर जब उसे इस बात का पता चलेगा ना, तो वो खुशी से पागल हो जाएगा, बस आता ही होगा। पता नहीं क्यों नहीं आया। कहाँ जा रहे हो? अम्मा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वहीं जा रहा हूँ।
अल्लाह की मार हो तेरे झूठ पर। देख, माँ को बेटे की खबर के लिए अखबार नहीं पढ़ना पड़ता, वो तो चेहरा ही पढ़ लेती है। तुझे मेरी कसम, बता क्या बात है। अम्मा तू अपनी जान की कसम मत दिया कर। और तेरा कौन है जवानी पीते जो मैं तुझे उसकी कसम दूंगी, बता। बात यह है अम्मा के विजय और रेनू की शादी तय हो गई। अल्लाह गारत। नहीं अम्मा, माँ बेटे को बद्दुआ देती अच्छी नहीं लगती। और अम्मा उसे ये कभी मत बताना कि मेरा और रेनू का क्या रिश्ता था। मेरी सारी दुआएं उसके लिए हैं, मेरी जिंदगी उसके लिए है, मेरा प्यार उसके लिए है। मेरा क्या अम्मा, मैं दुनिया के किसी कोने में बैठा उसकी खुशियां देखकर खुश होता रहूंगा। उसकी खुशी के लिए मेरा यहां से चले जाना ही अच्छा है। मुझे आशीर्वाद दो अम्मा। तुझे अल्लाह की अमान से दिया। मालीलाल साहब। हाँ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास सिर्फ टाइम है, ये तो टाइम टाइम की बात है दोस्त। साहब वैसे टाइम बहुत खराब चल रहा है, अपने ये बार के बंद होने का भी टाइम हो गया है। लाऊं बाटली? हाँ ले आओ। अब बीज लाया। चेक साहब का माल। हाँ ये लीजिए साहब, ये रही आपकी बोतल और ये रहा गिलास। अब तो सारी जिंदगी बोतल और नशे के सहारे गुजारनी है। माफ करो दोस्त, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं ब्रदर, अपन तो पहले ही अपना टाइम बहुत खराब चल रहा है। अभी तुमने इतना टिप दे दिया मेरे को, इसमें से एक रुपया गिलास का सेट को दे देगा। और ब्रदर हम पहले बुरा टाइम बहुत खराब चल रहा है। तो आशिक की औलाद यहाँ जमे हुए हैं, ना तो खुद खाया ना खाने दिया। लगता है कि दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसे नहीं छोड़ सकता। जाते गांव मजनू, अभी तो तुम्हारा पुराना हिसाब चुकता करना है। अरे ये रोमियो तो बहुत जल्दी गिर पड़ा, उठा इसे। सुना है तुम्हारी लैला की शादी तुम्हारे दोस्त के साथ होने वाली। कोई बात सुहाग उसका कोई भी बने, लेकिन सुहाग रात तो हमारे साथ ही होगी। कमीने, रेनू अब मेरे विजू की अमानत है, उसके बारे में ऐसा सोचने वाले की भी मैं जान ले लूंगा। Thank you.
राजू छोड़ विजू राजू क्या हो गया तुम्हें छोड़ दो मुझे राजू बोलो तो चले गए अब चल पुलिस आ रही है ब्रदर ब्रदर कोई पुलिस नहीं आ रही है भैया वो सारा हम बजा था ब्रदर हम पहले बोला था टाइम बहुत खराब चल रहा है हमने ढक्कन लोगों का बात सुन लिया था ब्रदर अब अपने सिटी बजाने का टाइम हो गया है टाइम बहुत खराब है तुम भी घर चलो हम भी चलता है चलो डार्लिंग विजू छोड़ दे विजू चलो राजू भगवान के लिए चलो हे भगवान मैं तो सोच रहा हूँ कि वो लौंडे के दिल पे क्या गुजर रही होगी ताऊ जी अगर पुलिस ना आती तो आज मैं उसे जान से मार डालता अरे जैसा बाप वैसा बेटा अच्छा हुआ कि पुलिस आ गई वरना तुम भी अपने बाप की तरह पहले बनवाची बनते बाद में स्वर्गवाची मेरा दिल तो ये बोलता है कि मैं जाके वो छोकरे को चीनी से लगा लूं क्यों स्वर्गवाची तुम तो वो छोकरे को चीनी से लगाओगे नहीं राजू तूने मेरा ही नहीं अम्मा का भी बहुत दिल दुखाया है मैं नहीं जानता था मेरे दोस्त कि मेरा खुशी में पीना तुम दोनों को दुखी कर देगा लेकिन ऐसी कौन सी खुशी है जिसने तुम्हें शराब में डुबो दिया है विजू तुझे याद है तेरे लंदन जाने से पहले मैंने एक सपना देखा था कि तेरे पास गाड़ी होगी बंगला होगा और उस बंगले में एक खूबसूरत सी दुल्हन होगी मेरा वो सपना पूरा हो गया मेरे दोस्त पूरा हो गया सपना इसीलिए मैंने शराब पी है अच्छा अब चल अम्मा से माफी मांग ले उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा चल मेरे दोस्त मेरे बेटे के दिल पर गमों का पहाड़ टूटा है और वो उसे खुशी का नाम दे रहा है तू राजू को ये सदमा सहने की ताकत दे मालिक उसे मेरी बची हुई उम्र भी दे दे नहीं अम्मा नहीं मुझे दुआ मांगकर मुझे जीते जी मत मार अम्मा मत मार अम्मा डैडी ये ताऊ इतवारी लाल को ज्यादा होशियारी दिखा रहा है आप कहें तो इसका संडे कर दूं अरे नहीं बेटे हर चीज का अपना अपना टाइम होता है ये सब तू अपने बाप पर छोड़ दे इस हरामजादे क्रिकेट को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ विजय विजय बेटा विजय क्या हुआ अम्मा देख तो राजू कहाँ चला गया चला गया हाँ बेटा मैंने तो पूरा घर छान मारा कहीं भी नहीं है जिंदगी खो गई है मैं कुछ समझा नहीं अंकल मेरा दोस्त ही मेरी जिंदगी है उसके बिना मेरी हर खुशी अधूरी है इसलिए प्लीज जब तक वो मिल नहीं जाता अगर ये शादी पोस्टपोन कर दें तो मगर तुम उसे ढूंढोगे कहाँ ठीक से तो मैं भी नहीं जानता लेकिन अगर आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दें तो हो सकता है कि मैं उसे ढूंढ निकालूं छुट्टी क्यों तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे अब तो उसे मिलने की ख्वाहिश और भी बढ़ गई है अरे विजय बाबा आए लगूं बाबा किधर हो बेटे तू कब आया लंदन से कुछ ही दिन हुए बाबा कुछ ही दिन हुए और बाबा से मिलने आ जाए हो नहीं बाबा नहीं वो ये कि मैं आया और राजेश गायब हो गया गायब हो गया नहीं बेटे कुछ दिन हुए वो 12,80,000 रुपया लेकर अदालत में आया था क्या और जज साहब के फैसला सुनाने से पहले उसने वो रकम जमा करवाई ताकि यहाँ के बच्चों के सर के ऊपर छत का साया बना रहे अच्छा बाबा वो गया कहाँ ये तो पता नहीं मगर बहुत दुखी लग रहा था अरे हाँ कल वो किसी होटल वाले के साथ बात कर रहा था मेरा ख्याल है कि उसका आज प्रोग्राम उसी होटल में होगा प्रोग्राम हाँ और इस दिल में क्या रखा छुपा रखा है तेरा ही दर्द
छुपा माफ कीजिएगा, अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मैच गा नहीं पाऊंगा। I'm sorry। दोस्तों, मिस्टर कुमार की तबीयत से मेरी पुरानी वाकफियत है। माना कि इनकी तबीयत बहुत नाजुक है, लेकिन जैसे सिकंदर की तकरीर उसके थके हुए बहादुरों में नया जोश भर देती थी, वैसे ही आप लोगों की हौसला अफजाई इसके खोए हुए सुरों को लौटा देगी। Give him a big hand। मुझसे आज गाया नहीं जाएगा विजू। तुम्हें गाना होगा राजू। तुम्हारी आवाज में मुझे वो दर्द सुनाई दिया है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। दिल पर तुम्हारी तलाश का बोझ लिए फिरता रहा हूं। इतना मजबूर मत करना कि मेरी लाश का बोझ तुम्हारे कंधों पर आ जाए। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मत कह, ऐसा मत कह। साइलेंस प्लीज। मिस्टर कुमार आपको आज निराश नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा लोगों की मायूसियां खरीद कर अपनी खुशियां बेची हैं। राजू, मैंने आज तक तेरा गाना कभी नहीं सुना, क्या तू मेरी ये खुशी पूरी नहीं करेगा? विजू आज मैं तुझे अम्मा की कसम है राजू, प्लीज। तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया, मिला दिल तुझसे तो आप देखे ऐसे, जुनू जाने कैसा जवा दिल पे छाया, दिल में ऐसा दर्द उठा दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना, का नाम दबा रखा है, दर्द का नाम दबा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। सीने में
मोहब्बत है तेरी, मोहब्बत ये तेरी इबादत है मेरी, तेरे सिवा कुछ याद नहीं है, तू ही तू दिल में, हाँ तू ही तू दिल में, दिल ने याद की पूजा की है, दिल ने याद की पूजा की है, प्यार का नाम खुदा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, रखा है तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम राजू रुको, राजू राजू कितने एहसान करोगे, कितनी कुर्बानियां दोगे तुम? कैसी कुर्बानी? ये भी तुम मुझसे जानना चाहते हो? तुम्हारे एहसानों से बना हुआ ये विजय इतना गिरा हुआ तो नहीं था कि तुम उसे अपने दिल की बात नहीं बता सके? शराब में डूब गए, मेरी जिंदगी से दूर हो गए, अभी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मैं अकेला हो जाऊंगा? बोल बोल, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू रेनू को चाहता है, तू उससे प्यार करता है, क्यों नहीं बताया तूने मुझे? पागल तो नहीं हो गया विजू? किसने कहा मैं रेनू से प्यार करता हूँ? उसके ना थमने वाले आंसू ने, उसकी आवाज ने, जिसने तुम्हारी आवाज का दामन आज भी नहीं छोड़ा। राजू तूने दोस्ती के मुंह पर एक तमाचा मारा है, तमाचा मारा है राजू। देख लीजिए, मोहब्बत और चाहत ये सब जवान उम्र की वक्ती देन है, हकीकत की दुनिया में इनकी कोई जगह नहीं। हर बाप अपनी बेटी का रिश्ता बराबर वालों से करना चाहेगा। अगर मुझसे पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? माँ बाप का नाम अनाथ आश्रम, खून और खानदान गुमनाम, यही सब छपेगा ना शादी के कार्ड पर? और ये मत भूल बीजू कि रेनू एक दौलतमंद बाप की पढ़ी लिखी बेटी है। मैं ये दीवार को तोड़ दूंगा राजू। क्या क्या तोड़ेगा मेरे दोस्त? तेरा और रेनू का रिश्ता पक्का हो चुका है, क्या इस रिश्ते को तोड़कर तू उसके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगा? क्या उम्र भर के लिए तू मेरी आंखें झुका देगा? बोल, जवाब दे। चुपचाप तू भी गाड़ी में चलकर बैठ जा। अंदर बैठा, चल भरोसा मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस लौंडे को यम लोग पहुंचाकर तुम सब लोग वहीं आ जाना, समझे? कहाँ ले गए उन्हें? बोल, राय साहब के नए होटल में जो बन रहा ले आया बेटा जी। शाबाश। हाँ तो भाया सुदर्शन राय, इन कागजों में तो जो लिखा है कि तुम अपनी सारी जायदाद अपनी खुशी से मारे नाम कर रहे हो, और ये जो पेन है ना इसकी स्याही भी नहीं उड़ेगी, लो साइन कर दो। अरे भाया कर दो ना, जे अपना फैसला नहीं तो ऊपर वाले का फैसला है, जिसने मारी कुंडली में दूसरों के माल पे ऐश करना लिखा है। लो ऐश करो। तेरी कुंडली में बात करानी मौत लिखी है सुना। अच्छा, बुझ लो, अगर हिम्मत है तो मुझे आजाद करके देखो। चिंता मत करो,
तुम लोग बहुत जल्द आजाद कर दिए जाओगे, मगर साइन हो जाने के बाद। हम साइन हरगिज नहीं करेंगे। ओ बेटे, ये हमारा वक्त जाया कर रहा है, इसे बताओ कि बाप के लिए सबसे अजीज चीज क्या होती है। अभी बताता हूँ डैडी। औलाद रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम्हें साइन चाहिए ना, लाओ मैं कर देता हूँ। ये हुई ना बात, अब आईना से दर्शन रहा है रास्ते पर। अब बेटे तुम्हें मालूम है इन तीनों का क्या करना है? जी हाँ डैडी, इनको गधों की तरह मत हंसो। तुम अभी तक जिंदा हो तो तुम क्या मेरा भूत देख रहे हो? सेना, पहले मैं औरों के लिए जीता था, लेकिन अब मैं अपने लिए जीऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे आदमियों से बच निकला। अब मैं वही करने वाला हूं जो तुम करने वाले थे। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जब रेनू मुझे थप्पड़ मार सकती है, राय साहब मुझे और अम्मा को जलील कर सकते हैं, तुम मेरी मोहब्बत पर डाका डाल सकते हो, तो मैं ये सब क्यों नहीं कर सकता? हाँ, तुम सब परे भी हो। और अब मैं यतीम की जिंदगी भी नहीं जीऊंगा। सेना, तुम सिर्फ जेल से भागना, भेष बदलना जानते हो। अच्छा होता किसी सर्कस में जोकर होते। जिन कागजों पर तुमने राय साहब से साइन करवाए हैं, उसका हक ये बहुत पहले किसी और को दे चुके हैं। क्या मतलब? मतलब राय साहब से पूछो, जिनकी जेब में तुम जैसे कई 420 भरे पड़े। सुना, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी एक ऐसे वफादार कुत्ते को बनाया है जिस पर किसी की नजर न पड़े, और मैंने इनका ये राज माथुर से जान लिया। कौन है वो माथुर? और कौन? ये मैं क्या सुन रहा हूँ माथुर? क्या करता सर, मार के आगे तुम खुद भी नाचता है, जान बचाने के लिए सच बोल लो। मैं तो सर पहले भी आपसे यही कह रहा था कि इस धोखेबाज से खबरदार रहिए, मगर आप तो मेरा मुंह खुलने से पहले ही बंद कर देते थे। और सर, खुले दुश्मन से छुपा दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये बाप बेटा कितने ही कमीने हैं, जलील हैं, कुत्ते हैं, मगर है तो खुले दुश्मन। अबे गाली देता है? इसने गाली तुम्हें नहीं, कुत्तों को दी, तुम्हारी उनसे बराबरी करके। क्या कैलाश, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जायदाद का ट्रस्टी माथुर है? मैं जानता था तुम ये सवाल जरूर करोगे, ये रहा सबूत। और मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करने के लिए यहाँ आया हूँ सिन्हा। कैसा सौदा? माथुर इन कोरे कागजों पर साइन करेगा, तुम जो चाहो लिख लेना, मैं तुम्हें ये कागज दे दूंगा और तुम मुझे रेनू। माथुर साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा। साइन करो। तुम फिकर मत करो सेना, रेनू की जुबान तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं खुलेगी। जैसे ही तुम रेनू को मेरे हवाले कर दोगे, मैं ये पेपर कैलाश को दे दूंगा। छोड़ दो लड़की को। आज से हमारी दुश्मनी खत्म, मिला दोस्ती का। सेना, तुम तो अपनी शक्ल से भी ज्यादा बेवकूफ दिखाई देते हो,
राय साहब जैसा सुलझा हुआ आदमी क्या कभी माथुर जैसे को अपनी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना सकता है? तुम मेरी अंग्रेजी निकालने वाले थे ना सिन्हा, अब मैं तेरी मारवाड़ी निकालूंगा। मैं भी यही कह रहा था। माथुर साहब आप शुरू हो जाइए। रुमाल लाओ। हाँ तो इससे पहले कि तुम्हारी आंखें अपनी औलाद की हत्या देखें, इन्हें भी आजाद कर दो। मर गया, मार दिया ना अपने बेटे को, देख लिया लालच का नतीजा। बेटा मुझे छोड़ कर माफ कीजिएगा, नाटक करते वक्त मैं न जाने आपसे क्या क्या कह बैठा। I'm sorry. विजय बेटी, ये सब क्या हो रहा है? राजू कहाँ है? राजू? 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 राजू बेटे? राजू? राजू? रुको राजू। राजू कहाँ जा रहा है बेटे? विजय रोक ले अपने जिगरी को, तेरा जिगरी तो सचमुच फरिश्ता निकला।
रोक ले उसे रेनु के लिए। और फिर तो भी तो ये चाहता है ना। हाँ अंकल, लेकिन मैं राजू को अच्छी तरह जानता हूँ, अब अगर उसे कोई रोक सकेगा तो सिर्फ अम्मा। अमीना जी, मैं आपसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगता हूँ, रोक लीजिए राजू को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। राजू, राजू बेटे, रुक जा बेटे, मैं कहती हूँ रुक जा, राजू वापस आ जा, राजू हमें छोड़ के मत जा, राजू वापस आ जा, नहीं तो अपनी अम्मा को मरा हुआ देखोगे बेटे। अम्मा, अम्मा, नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल अम्मा, तू ठीक तो है ना? तू आ गया है ना, अब ठीक हो जाऊंगी, बुढ़ापे की लाठी जो मिल गई। अमीना बहन, बच्चों को आशीर्वाद नहीं देंगे? अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। आशीर्वाद तो मैं भी दूंगा बेटा राजू, तुम्हारे को इतनी बड़ी जायदाद मिली है, उसके अंदर हम लोगों को छोटा मोटा काम मिलेगा। एक शर्त पर, तुम बेईमानी बिल्कुल नहीं करोगे। बेईमानी? और मैं बेटा सारी दुनिया में ढूंढोगे भी तो मुझसे ज्यादा ईमानदार आदमी तुमको नहीं मिलेगा। बेटो पकड़ लो अपने भैया के पास।